हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सीओसी सीए क्लासेस चैनल पर बच्चे, इस चैनल को हमने बनाया है अपने सीए वाले बच्चों को स्टडी कराने के लिए। चाहे आप फाउंडेशन के हो, चाहे इंटर के, चाहे फाइनल के, आपके सारे कंटेंट को हम यहां पे डिलीवर करेंगे और आपको एग्जाम में दी बेस्ट तैयारी कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बच्चों आज एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल की शुरुआत कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस शॉर्ट में इसको बोलते हैं। देखो, इस चैप्टर में कुछ बातें जो हमें पहले समझनी होती हैं, अगर वो बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं तो फिर चैप्टर में बहुत मजा आता है। अगर वो चीजें नहीं समझ में आती बच्चे तो वो चैप्टर बहुत टफ बनता है। आओ जरा मैं आपको प्रूफ करूं, इससे सिंपल कोई चैप्टर नहीं होता, बशर्ते कि आज का जो दो घंटा है ना उसको आपको मेरे साथ प्रॉपर तरीके से डिवोट करना होगा। सुनिए ध्यान से, मैं चैप्टर की गहराई में आपको लेकर चलता हूं, सारी बातें आपको समझ में आएंगी और आपको इस चैप्टर में अब मजा आने वाला है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो, कोई भी फर्म जो एक बिजनेस करता है मेरे बच्चे, जिनका काम बिजनेस करना है, अगर ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट पे, मान लो आज इनके बैंक में कितना पैसा है, आज इनके बैंक में अमाउंट कितना पैसा आज डिपॉजिट है मेरे बच्चे, अगर इनको जानना है, कोई भी फर्म हो, मान लो बात मैं सीओसी का करता हूं, सीओसी है ना, अगर सीओसी इस बात को जानना चाहता है कि आज मेरे बच्चे, आज मान लो सपोज दैट डेट आपका 20th अप्रैल है, मान लो 20 तारीख, कोई भी डेट हो सकता है, मान लो इनको 20 तारीख को ये जानना है कि बैंक में मेरा कितना पैसा जमा है। इनके पास दो तरीका है मेरे बच्चे, या तो ये क्या करें, अपने अकाउंटेंट को फोन करें, अकाउंटेंट यानी कि जहां पे इनका पूरा का पूरा अकाउंट्स मेंटेन होता है, ये वो आदमी है बच्चे जो इनका पूरा का पूरा अकाउंट्स मेंटेन करता है। सीओसी क्या करेगा, अगर इनको जानना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे, मान लो 20 तारीख को, कि बैंक में इनके पास कितना पैसा जमा है, एक तरीका है कि आप अपने अकाउंटेंट को बोले कि अकाउंटेंट जरा बताओ मेरा पैसा कितना जमा है। तो मेरे बच्चे, अकाउंटेंट जो आपके बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे अकाउंट बनाता है, उसमें एक अकाउंट बनाता है बच्चे जिसका नाम है कैश बुक। आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि कैश बुक में तीन कॉलम होता है, एक आपका कैश कॉलम, एक आपका बैंक कॉलम और एक आपका डिस्काउंट कॉलम। तीन कॉलम होते हैं मेरे बच्चे, तीन कॉलम। तो अगर मान लो कि आपका बैंक में कितना पैसा है, इस बात को अगर आपने जानना है, अपने अकाउंटेंट को फोन किया, तो मुझे ये बताओ कि आपका जो अकाउंटेंट है मेरे बच्चे, कैशबुक के कौन से कॉलम को देख के आपको बैंक का बैलेंस बताएगा। देखो ना, ये कैशबुक के जो कैश कॉलम होता है, कैश कॉलम में क्या होता है जी, कैश की सारी बातें रिकॉर्ड होती है, कैश में कितने पैसे बिजनेस में आए हैं, कैश में कितना पैसा बिजनेस से बाहर गया है, इन सारी बातों को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, कैश कॉलम के अंदर में। दूसरा कॉलम होता है हमारा बैंक कॉलम, बैंक कॉलम के अंदर में क्या होता है जी, बैंक में कितना पैसा अभी तक आया, बैंक में से कितने पेमेंट हमने किए हैं, उन सारी बातों को ये अकाउंटेंट कहां रिकॉर्ड करता है, बैंक कॉलम में। एंड डिस्काउंट कॉलम में, डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, डिस्काउंट कितना हमने रिसीव किया है, उन सारी बातों को रिकॉर्ड करना है। आप जानते हैं कि अगर फर्म को बैंक बैलेंस जानना है और ये बैंक बैलेंस उसने अकाउंटेंट से पूछा, अकाउंटेंट अपने कैश फ्लो का मुझे बताओ कौन से कॉलम को देख के आपका बैंक का पैसा बताएगा, बैंक कॉलम को, क्योंकि बैंक में क्या पैसा जमा किया गया, बैंक से क्या पैसा निकाला गया मेरे बच्चे, ये सारी बातें अकाउंटेंट ने कहां रिकॉर्ड किया है, बैंक कॉलम में। तो इसने क्या किया, 20th अप्रैल तक जो उसने बैंक कॉलम में पैसे रिकॉर्ड किए हैं आना जाना, उसको देखकर ये कहता है कि देखो जी आपके पास 5 लाख रुपीज बैंक में जमा है, 5 लाख रुपए। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है, ध्यान रखना हमने किस कॉलम की बात की है, बैंक कॉलम की बात की है। फर्म के पास मेरे बच्चे अगर इस बात को जानना है कि मेरा बैंक में कितना पैसा, इसका इनके पास एक दूसरा तरीका भी है, अकाउंटेंट को बोलने के बजाय ये अपने बैंक को ही बोले, बैंक मान लो इनका बैंक कौन है जी, HDFC बैंक, मान लो HDFC बैंक है, कोई भी बैंक हो सकता है। तो सीओसी ने क्या किया मेरे बच्चे, बैंक में कितना पैसा जमा है,
20 अप्रैल को इस बात को जानने के लिए वो क्या करेंगे, अपने बैंक को फोन करेंगे। आपको पता है ना, जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं, जो पैसा हम बैंक से निकालते हैं, ये हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है, इसके साथ साथ ये सारे रिकॉर्डिंग बैंक वाला भी करता है मेरे बच्चे, है ना। बैंक वाला भी तो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और बैंक जहां पे ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है हम उसको क्या बोलते हैं, पासबुक। बैंक जहां पे ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा वो हम क्या बोलते हैं जी, पासबुक। तो हमने जब पूछा कि बताओ जी आज हमारे बैंक में कितना पैसा है, हमने बैंक को फोन लगाया, बैंक ने क्या किया, हमारे पासबुक को चेक किया, और पासबुक को चेक करके कहता है कि आपका पैसा बैंक में 5 लाख रुपीज जमा है। ऑब्वियस बात है, ये सिंपल सी बात है कि जितना पैसा मेरा अकाउंटेंट मुझे बताएगा उतना ही बैंक भी तो बताएगा, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन यहां भी रिकॉर्ड हुए और सेम ट्रांजेक्शन आपका वहां भी रिकॉर्ड हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात क्लियर हो जाए कि अगर आज के बाद कोई आपसे पूछता है कि जरा बताओ कि पासबुक कौन मेंटेन करता है, पासबुक कौन मेंटेन करता है, तो बैंक मेंटेन करता है। कैशबुक कौन मेंटेन करता है, कैशबुक, तो कैशबुक मेरे बच्चे फर्म ही तो मेंटेन करता है। अकाउंटेंट किसका है, फर्म का, तो फर्म क्या मेंटेन करता है, कैशबुक मेंटेन करता है। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। अब मेरा एक सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। मैंने एक वर्ड यूज किया मेरे बच्चे यहां पे, वर्ड था आपका पासबुक। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या कभी आपने पासबुक देखा है, क्या क्या कभी भी आज तक आपने पासबुक देखा है? आप कह दो कि हाँ जी सर हमने देखा है, मेरे पापा का अकाउंट किसी गवर्नमेंट बैंक में है। तो गवर्नमेंट बैंक वाले क्या करते हैं बच्चे कि एक ना एक एक आपका इतना बड़ा, मेरे हिसाब से इतना बड़ा, इससे थोड़ा सा छोटा या इससे थोड़ा सा बड़ा, एक ना आपका कॉपी, मतलब कि एक आपका रजिस्टर क्या करते हैं, आपको पापा को देते हैं, आपकी मम्मा को देते हैं, और कहते हैं कि देखो जी ये वो पासबुक है जिसमें कि हमने सारी एंट्री रखी है, कितना पैसा आपने जमा किया है, कितना पैसा निकाला है। और शायद आपने थोड़ा बहुत और अकाउंटिंग देखा होगा तो, और आपके पापा मम्मी का अकाउंट अगर गवर्नमेंट बैंक में होगा तो होता क्या है ना कि वो जो रजिस्टर होता है, जो कॉपी होती है, इस कॉपी को आपके मम्मी पापा बैंक में ले जाते हैं, बैंक वाला क्या करता है जी, उसमें एंट्री आपका प्रिंट कर देता है और फिर आपके मम्मी पापा के हाथ में दे देता है। अगर मेरे बच्चे आपके मम्मी पापा का अकाउंट अगर प्राइवेट सेक्टर में, कोई प्राइवेट बैंक में है, तो फिर उनको इतना मोटा रजिस्टर नहीं मिलता, इतनी मोटी कॉपी नहीं मिलती। फिर क्या होता है कि हर एक महीने के एंड में, एक ना पेपर आपके घर पे भेजा जाता है। उस पेपर पूछ लेना अपने मम्मी पापा से, मैं सच्चाई बता रहा हूं, उस पेपर पे ना बैंक ने जो भी एंट्री आपके बिहाफ पे किया है ना, वो क्या करता है कि उसी पेपर को आपको वो बताता है। तो हो सकता है कि जब मैं पासबुक की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में वही पेपर आ रहा होगा जो प्राइवेट बैंक आपके मम्मी पापा को महीने के एंड में देता है, या फिर वो जो रजिस्टर है जिसमें कि सारी एंट्री का जो कॉपी होता है जो बैंक वाला करके आपको देता है अगर गवर्नमेंट बैंक में है, तो हो सकता है आपके दिमाग में वो चीजें निकल के आए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, अगर आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को आपको ठीक से समझना है, और कोई कहे कि पासबुक आपने कभी देखा है क्या, तो मेरे बच्चे पासबुक को जैसे ही मैंने बोला और आपके दिमाग में जो पिक्चर आया, वो रजिस्टर, वो कॉपी, या फिर वो पेपर जो आपके घर में पापा मम्मी लेकर आते हैं, वो मेरे बच्चे पासबुक नहीं होता। दैट इज नॉट द पासबुक, दैट इज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ पासबुक, डुप्लीकेट कॉपी। सर फिर पासबुक क्या होता है, मुझे सही सही बताओ मेरे बच्चे, मैं बताता हूं। पासबुक का मतलब ध्यान रखना, अगर इस चैप्टर को बहुत जेन्युइनली आपको समझना है, तो पासबुक का मतलब होता है कि जैसे ही मान लो मैं सीओसी या आप या आपके मम्मी पापा बैंक में पैसा जमा करते हैं ना बच्चे, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक में जैसे ही पापा पैसा जमा किया जाएगा, तो बैंक वाला क्या करता है कि अपने कंप्यूटर में, अपने सॉफ्टवेयर में आपके पापा मम्मी के नाम का जो अकाउंट खुला हुआ है ना, उसमें क्या करता है कि एंट्री करता है कि हाँ जी इनका इतना पैसा मेरे पास जमा हो गया। अगर आपके मम्मी पापा बैंक से पैसा निकालते हैं, तो जब पैसा निकालते हैं तो उसी टाइम पे क्या करता है कि बैंक वाला अपने उस कंप्यूटर में एंट्री करता है बच्चे कि इन्होंने इतना पैसा निकाल दिया, अब इतना पैसा इनके पास बच गया है। कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर का वो सेगमेंट, वो पार्ट जहां पे आपके नाम की रिकॉर्डिंग हो रही है, हम उसको यहां पे पासबुक समझेंगे।
जब भी कोई बोले ना कि चलो जी हम BRS बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन, और वहां पे पासबुक का अगर बात उठेगा तो पासबुक जैसे ही बोलूंगा तो अपने संतोष सर की बात आप याद रखना, पासबुक का मतलब कि आप वो डुप्लीकेट कॉपी जो आपके हाथ में आता है उसको ध्यान में मत लेना, है वो पासबुक ही है मेरे बच्चे, मैं बट वो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ पासबुक है। पासबुक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है जी? वो कंप्यूटर, वो सॉफ्टवेयर जहां पे बैंक वाला आपके नाम की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। आपने पैसा अभी जमा किया, अभी रिकॉर्ड हो गया, पैसा अभी निकाला, अभी आपका रिकॉर्ड हो गया, उसको हम यहां पे पासबुक बोलेंगे, ठीक है ना? इस चैप्टर को समझते समय तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आपका है ये आपका कैशबुक, कैशबुक कौन मेंटेन करता है जी? फॉर्म मेंटेन करता है। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। पासबुक का मतलब संतोष सर ने क्या बताया, वो डुप्लीकेट कॉपी जो हमारे पास आता है हम उसको नहीं समझेंगे। पासबुक का मतलब कि जैसे ही पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, हम पैसा बैंक से निकालते हैं और बैंक वाला हमारे नाम की जो एंट्री करता है हम उसको पासबुक बोलेंगे, ठीक है ना? याद रहेगी बात ये सर। नाउ अब आपको मेरे साथ ही समझना होगा कि आखिर ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। पता बच्चे, मान लो मैं एक डेट लेता हूं, मान लो एक डेट आपका कोई भी डेट हो सकता है, सपोज डेट मैं लेता हूं 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल महीने का एंड, महीने का एंड कोई भी डेट हो सकता है, मान लो मैं अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूं। महीने के एंड में क्या हुआ कि यहां पे जब मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा, अपने अकाउंटेंट से कि एक बात बताओ मेरा पैसा बैंक में कितना जमा है, तो मेरे बच्चे मेरे अकाउंटेंट ने कहा कि देखो जी आपका पैसा जो बैंक में जमा है ना, उसने बैंक कॉलम को देख के बताया कि मान लो 8 लाख रुपीज आपका जमा है, 8 लाख रुपए आपका। मेरे बच्चे आज ही के डेट पे जब मैंने अपने बैंक वाले को फोन किया और पूछा कि जरा बताओ मेरा पैसा आपके पास कितना जमा है अकॉर्डिंग टू योर पासबुक, तो ये कहता है कि भैया मेरे पास आपका 8 लाख रुपीज जमा है, 8 लाख रुपए आपका। तो पता है जब मेरे मुताबिक भी 8 लाख रुपीज है और आपके मुताबिक भी 8 लाख है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ठीक है जी, 8 लाख 8 लाख मतलब कि दोनों ठीक है आपका। लेकिन मेरे बच्चे अक्सर देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि जो बैलेंस मेरा अकाउंटेंट बताता है और जो बैलेंस आपका बैंक बताएगा उसमें कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं। एक ही डेट पे 30 तारीख को इनसे पूछा गया कि बताओ जी पैसा कितना, ये कहते हैं कि 8 लाख रुपीज। जब हमने बैंक से पूछा तो बैंक ने कहा कि हमारे पासबुक के मुताबिक आपके पास जो अमाउंट है वो आपका 8,50,000 है या फिर 750 है या फिर आपका 8 लाख, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, मतलब जितना अमाउंट यहां पे उतना अमाउंट यहां पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें और इसमें जो अमाउंट है वो आपका डिफरेंट हो, इससे कम भी इसके ज्यादा भी। जब भी मेरे बच्चे एक पर्टिकुलर डेट पे कैशबुक और पासबुक का बैलेंस दोनों सेम नहीं होता, जब भी कैशबुक और पासबुक का बैलेंस आपका सेम नहीं होगा तो उस केस में हमें जानना होगा कि आखिर ये जो डिफरेंसेज आ रहे हैं, इन दोनों में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों डिफरेंसेज आ रहे हैं। दोबारा सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, ये BRS क्यों बनता है मैं उसका मेन मोटिव बता रहा हूं बच्चे, क्योंकि कल को आप बड़े हो जाएंगे, कल को किसी कंपनी का अकाउंट्स आप संभालेंगे या फिर हो सकता है कि आप अपनी कंपनी खोलेंगे और उस केस में आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डेट पे एक किसी भी 30 अप्रैल हो गया, मई का एंड हो गया, जून का एंड हो गया, किसी भी डेट पे, किसी भी डेट पे हमने देखा कि यार हमारे मुताबिक पैसा बैंक में कितना है, 8 लाख रुपीज। हमारे पासबुक के मुताबिक पैसा हमारे पास कितना दिख रहा है जी, 750, कुछ भी हो सकता है, मान लो 750। तो आखिर ये जो दोनों में डिफरेंसेज आ रहे हैं, ये जो दोनों में आपके डिफरेंसेज आ रहे हैं, इन डिफरेंसेज के आने का जो रीजन्स हैं, रीजन वो रीजन क्या है मेरे बच्चे, इसी बात को हम क्या करते हैं, BRS में पता करते हैं। BRS में एक गलत फहमी मैक्सिमम बच्चों के अंदर में देखी गई है, वो गलत फहमी क्या है जी, वो सोचते हैं कि BRS का मतलब होता है कि ये जो आपका कैशबुक के मुताबिक, कैशबुक के मुताबिक जो पैसा बैंक में है और पासबुक के मुताबिक जो पैसा बैंक में है, इसके बीच में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको सुधारने के लिए हम BRS बनाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, BRS में याद रखना हम यहां पे कहीं पर भी रेक्टिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, हमें गलतियां नहीं सुधारना, हमें तो बस ये जानना है कि इनके बीच में जो आपका डिफरेंसेज आ रहा है उसके पीछे के जो रीजन्स है वो रीजन्स क्या है, उन रीजन को 1 2 3 4 जितने भी रीजन्स होंगे उनको हम क्या करते हैं, BRS में बताते हैं।
पता है ऐसा क्यों होता है? ये जो डिफरेंसेज आ रहे हैं बच्चे ना, जो रीजंस आपके पास है, कुछ तो जेन्युइन रीजंस होंगे, कुछ तो जेन्युइन रीजन होता है, एंड कुछ हो सकता है कि कुछ गलतियां होंगी, कुछ गलतियां हुई होंगी, उसके चलते डिफरेंसेज आ रहे हैं। तो खैर जो भी रीजन रहा होगा, उन रीजन को हमें जानना पहले जरूरी है, उसके बाद ही हम कोई एक्शन ले सकते हैं बच्चे। कुछ गलतियां हमारे पार्ट पे हुआ होगा तो हम यहां पे सुधार लेंगे, वो गलतियां अगर बैंक के पार्ट पे हुआ होगा तो बैंक उसको सुधार लेगा, और अगर गलतियां नहीं हुआ होगा तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए हमें कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेज क्यों आ रहे हैं, इसलिए यहां पे BRS बनता है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, दोबारा सुनिए आगे बढ़ने के पहले। आज के बाद मेरे बच्चे कोई भी आपसे पूछ देना कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, तो आप उनको बोलना कि भैया जो कैशबुक के बैंक कॉलम में जो बैलेंस है और पासबुक में जो आपका बैलेंस है, अगर इसमें कोई डिफरेंसेज आता है तो उन डिफरेंसेज के पीछे में क्या रीजंस हैं, बस उन रीजंस को जानने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉन्साइल करना, रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है, टू चेक, बस चेक करना, पता करना कि आखिर इनके बीच में क्या डिफरेंसेज है, उनको पता करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, BRS बनाते हैं। याद रहेगी बात आपको? ये सर, तो आप इस डायग्राम को कॉपी कर लेंगे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ये सब फटाफट आपको रिवीजन कराएगा, ठीक है ना। आइए अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और कुछ और अच्छी अच्छी बातें आपको बताता हूं। आइए नंबर टू देखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ यहां पे, कुछ और बातें हमें समझनी है मेरे बच्चे। एक हमने आपको बताया कि कैशबुक, एक हमने बताया कैशबुक, हमारा अगला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है। जब भी मैं कैशबुक कहूं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम किस कॉलम की बात कर रहे हैं जी, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, है ना, बैंक कॉलम का। और फिर मेरे बच्चे यहां पे बात कर रहा हूं पासबुक, पासबुक आपका, यानी कि जो हमारा बैलेंस, हमारा अकाउंट किसने मेंटेन किया जी, बैंक ने। मुझे सिर्फ ये बताइए कि कैशबुक, कैशबुक कौन मेंटेन करता है बच्चे, लिखो ना यहीं पे, ये कौन मेंटेन करता है, मेंटेन्ड बाय, मेंटेन्ड, मेंटेन्ड बाय फर्म, जो फर्म है ना वो खुद मेंटेन करती है। जब भी मैं बोला ना फर्म, फर्म का मतलब क्या जी, मेरा अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, तो अकाउंटेंट मेरा ही तो है, मुझे ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एग्जाम में पूछ दे आपसे कि जरा बताओ कि कैशबुक कौन मेंटेन करता है, तो क्या बोलेंगे, मेंटेन्ड बाय फर्म आपका। और पासबुक कोई पूछ दे कि बताओ पासबुक कौन मेंटेन करता है, तो क्या बोलेंगे आप, मेंटेन्ड बाय, मेंटेन्ड बाई बैंक, जो हमारा बैंक है बच्चे, जो भी बैंक हमारा होगा वो भी तो मेंटेन करता है, वो भी तो हमारी बातें रिकॉर्ड करता है। एंड ऑब्वियस बात है, हम कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हम तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। जिस इंसान के पास, जिस पर्सन के पास हम वो पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो भी तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तो दोनों यहां पे हो सकता है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, मान लो फर्म कहती है, फर्म कहती है कि भैया कैशबुक में मेरा डेबिट बैलेंस है, कैशबुक में आज मेरा डेबिट बैलेंस है, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे अगर फर्म कहती है कि मेरा पैसा, मेरा जो कैशबुक है ना बच्चे, उसमें मेरा डेबिट बैलेंस है, आप मुझे बताओ क्या मतलब होता है डेबिट बैलेंस का। कैशबुक में डेबिट बैलेंस है मेरे बच्चे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि मेरा पैसा बैंक में जमा है। और ये कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, अगर मेरा पैसा, फर्म का पैसा बैंक में जमा है, तो बताओ वो फर्म का एसेट्स है कि लायबिलिटी है। आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि अगर मान लो मैं फर्म हूं मेरे बच्चे, और मेरा पैसा बैंक में जमा है, तो मेरा पैसा अगर बैंक में मैंने जमा करके रखा हुआ है 5 लाख 10 लाख कुछ भी, तो वो मेरा एसेट्स है कि लायबिलिटी है, मेरा एसेट्स है। और जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उन सबका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब आप इतने बड़े बच्चे हो, आप ऐसे मत बोलो, है ना, एसेट्स का हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो मेरे बच्चे जब भी कहा जाता है ना कि कैशबुक में, मतलब कि कैशबुक के बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस है, यानी कि मेरा पैसा जमा है, यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, मेरा पैसा बैंक में जमा है। एक बात बोलूं, जब एक मैं हूं और एक मेरा बैंक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरा पैसा बैंक में जमा है 5 लाख रुपीज, तो मेरे बच्चे मुझे 5 लाख बैंक से लेना है ना, मैं कभी भी ले सकता हूं, मेरा वो एसेट्स है, बोलो हाँ। अगर मेरा HDFC बैंक में या ICICI बैंक में या किसी भी बैंक में मेरा पैसा, मैंने पैसा वहां पे जमा किया हो, तो वो मेरा एसेट्स है। लेकिन मेरे बच्चे वो पैसा बैंक का लायबिलिटी है,
मेरा एसेट्स है लेकिन बैंक का क्या है लायबिलिटी, क्यों? क्योंकि बैंक ने वो पैसा जो जमा मेरा रखा हुआ है ना, उसके पास एक ऑब्लिगेशन है कि जब भी मैं उनसे पैसा मांगूंगा तो उनको मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर आप मान लो आप ही क्या करते हो कि बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हो और बैंक में आप क्या करते हो 2 लाख रुपए जमा कर देते हो, वो 2 लाख आपका एसेट है मेरे बच्चे, वो कभी भी पैसा आप निकाल सकते हो, लेकिन वो 2 लाख बैंक की लायबिलिटी है क्योंकि वो बैंक को कभी भी पैसा देना, जब भी आप डिमांड कर दोगे वो पैसा उनको देना होगा, उनकी लायबिलिटी होगी। इसलिए जब मेरे अकाउंटेंट से पूछोगे ना, मेरे अकाउंटेंट से कि जरा बताओ कि आपका पैसा अगर फेवरेबल बैलेंस है यानी कि पैसा अगर बैंक में जमा है तो आप क्या बोलोगे जी, डेबिट बैलेंस, मैं डेबिट बोलूंगा बच्चे, लेकिन उसी टाइम पे बैंक जो है ना उसको कहेगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। मैं कहूंगा डेबिट बैलेंस लेकिन बैंक क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का मतलब अगर मेरे अकाउंटेंट से कोई पूछा जाए कि भैया 5 लाख रुपए बैंक में जमा है बताओ कौन सा बैलेंस है, तो मेरा अकाउंटेंट क्या बोलेगा, डेबिट बैलेंस। लेकिन उसी टाइम पे मेरे बच्चे अगर बैंक से पूछा जाए कि जरा बैंक बताओ कि आपके पास कौन सा बैलेंस है, तो क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैंक की वो लायबिलिटी है। तो जब भी कहता ना कि बैंक में क्रेडिट, बैंक वाला कहता है कि मेरे पास आपका क्रेडिट बैलेंस है यानी कि मेरा पैसा वहां पे जमा है, यानी कि इन शॉर्ट इसका मतलब कि फेवरेबल बैलेंस है, मेरा पैसा बैंक में जमा है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब कि लिख दो ब्रैकेट में, इट मींस फर्म मनी हैज बीन डिपोजिटेड विथ बैंक, बैंक के पास क्या है जी, वो पैसा मेरा जमा पड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चे वो हमारा क्या होगा जी, हमेशा आपका इस तरीके से, ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर कट। मुझसे पूछो, मेरे अकाउंटेंट से पूछो कि बताओ जी बैंक में 5 लाख का आपका कौन सा बैलेंस है, तो अगर मेरा पैसा 5 लाख वहां पे जमा है तो बोलूंगा डेबिट बैलेंस। लेकिन बैंक वाले से पूछोगे कि बताओ जी जो संतोष सर का 5 लाख रुपीज आपके पास पड़ा हुआ कौन सा बैलेंस है, तो बैंक वाला कहेगा कि मेरे पास क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि उनके लिए क्रेडिट होगा बच्चे, उनको वापस करना होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये निकल के आता है। नाउ अगर मान लो कैशबुक के बैंक कॉलम में मेरा अकाउंटेंट कहता है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, मेरे अकाउंटेंट ने कहा कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट का मतलब कि क्रेडिट बैलेंस तो लायबिलिटी का होता है, लायबिलिटी का। मेरे बच्चे इसका मतलब कि जब भी मेरा अकाउंटेंट कहेगा कि मेरे पास बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये अनफेवरेबल बैलेंस की बात कर रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस आपका। और अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है यहां पे क्या जी, ओवरड्राफ्ट। ये मेरे बच्चे ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, मैंने पैसा बैंक से ज्यादा निकाला हुआ है। मिलती है कई सारी फैसिलिटी बिजनेसमैन को, मेरे पास भी फैसिलिटी है कि कभी अगर अर्जेंसी की रिक्वायरमेंट आ गई, ज्यादा अर्जेंट हो गया, तो बैंक से मैं कुछ ओवरड्राफ्ट ले सकता हूं, मतलब जितना पैसा बैंक में जमा मेरा है उससे ज्यादा निकाल सकता हूं। ये अलग बात है कि बैंक उसमें हमसे इंटरेस्ट लेता है, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पास एक फैसिलिटी है। तो जब भी मैंने बैंक में जितना पैसा मेरा जमा है अगर उससे ज्यादा निकाल चुका हूं ना, तो जितना ज्यादा निकाल चुका हूं उतना पैसा मुझे बैंक को वापस करना पड़ेगा, और जो पैसा मुझे बैंक को वापस करना होगा बच्चे वो बैलेंस मेरे लिए क्या है, ओवरड्राफ्ट है, मेरी लायबिलिटी है, मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे पैसा वापस करना है। तो याद रखना कैशबुक के बैंक कॉलम में यानी कि बैंक में जब भी मेरा अकाउंटेंट कहता है कि क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या जी, ओवरड्राफ्ट है। और हां अगर मैं कहता हूं कि मैंने बैंक से ज्यादा पैसा निकाला हुआ है, मुझे बैंक को पैसा वापस करना है, मेरी लायबिलिटी है मेरे बच्चे, लेकिन बैंक का वो एसेट्स है। क्यों बैंक का एसेट्स है, क्योंकि बैंक ने क्या करना है, उतना पैसा मुझसे लेना है, बैंक के पास एक राइट है। तो जब भी मैं क्रेडिट बैलेंस कहूंगा ना, तो बैंक वाला क्या करेगा जी, वो कहेगा उस समय आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ये सारी बातें दिमाग में बैठा लो, मैं आज की क्लास में ना स्लोली चलूंगा ताकि बातें आपके दिमाग में बैठ जाए, आप कुछ रटो नहीं, बिल्कुल दिमाग से सोचो समझो, फिर देखो बीआरएस में क्या मजा निकल के आएगा। तो जब भी कहा जाता है कि अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट को मेरा अकाउंटेंट बोलेगा तो क्या बोलेगा जी, क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी आपकी, लेकिन मेरे में क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि बैंक वाला क्या बोलेगा जी, मेरे पास डेबिट बैलेंस है। डेबिट क्यों? क्योंकि उतना पैसा बैंक ने आपको लेना है। यहां पे जो बातें की जाती है ना,
यहाँ पे बात मेरे बच्चे बैंक के एंगल से की जाती है, बैंक का वो क्या है, बैंक का एसेट से की लायबिलिटी है, और यहाँ पे वो मेरे एंगल से बात की जाती है कि मेरा एसेट से की लायबिलिटी है, इसके बारे में आपका, ठीक है ना। आप प्लीज कॉपी करेंगे, ये भी पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अनफेवरेबल का मतलब क्या, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस और पासबुक में डेबिट एंड वाइस वर्सा आपका। नाउ मैं यहीं पे आपको क्या करता हूं, पॉइंट नंबर 3 बताता हूं। एक और बातें आपको समझना है, पता है क्या, मैं लिख दूं पहले यहां पे, कहता है कि कैश बुक के किस कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पासबुक की बात कर रहे हैं। पासबुक मतलब कि जो रिकॉर्ड बैंक मेंटेन कर रहा है। पता है मेरे बच्चे, अगर मान लो कहता है कि कैशबुक में आपने क्या किया, कुछ डेबिटेड किया, बहुत ध्यान से सुनना, मैं शब्दों की गहराई में लेके आता हूं इस चैप्टर में, वो शब्द जो आगे आपको परेशान कर सकते हैं उनको खत्म कर रहा हूं मेरे बच्चे। अगर कहता है कि कैशबुक में आपने कुछ डेबिटेड किया तो दिमाग को शांत करके सोचो कि ये डेबिटेड किया कैशबुक में, ये कौन कर रहा है, अकाउंटेंट, याद रखना। ये सारी बातें क्या हो जाए, ये कौन मेंटेन करता है बच्चे, ये फर्म मेंटेन करता है। फर्म मेंटेन करने का मतलब कि मेरा जो अकाउंटेंट है ना वो इसमें एंट्री पास कर रहा है ना। और यहां पे कौन एंट्री पास कर रहा है जी, यहां पे आपका जो बैंक है वो एंट्री पास कर रहा है। ये बैंक के एंगल से हम यहां पे सोचना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरे अकाउंटेंट ने कैशबुक में डेबिटेड किया, तो डेबिटेड का मतलब क्या, सुनो यहां देखो, कैशबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या था जी, फेवरेबल बैलेंस आपका, मतलब मेरा पैसा बैंक में जमा था। मेरे प्यारे बच्चों, जो पैसा मेरा बैंक में जमा था उसको, जो डेबिट बैलेंस था उसको और डेबिट किया गया है, और डेबिट किया गया है। तो मुझे बताओ कि कैशबुक में डेबिटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन आपका बैंक बैलेंस। जब भी कहा जाएगा ना कि भैया हमने क्या किया जी, पैसा ना कैशबुक में डेबिटेड किया, तो डेबिटेड का मतलब कि बैंक में जो पैसा रहा होगा ना उसको और हमने बढ़ा दिया जी, और डेबिट कर दिया, और बढ़ा दिया, समझ मेरी बात ना। तो जब भी कहेगा कि इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, तो उसको कह सकता है कि बैंक कॉलम में हमने क्या किया, उसको डेबिटेड किया। मेरे बच्चे, अगर हम बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं तो हमने क्या किया जी, बैंक में डेबिट किया। बैंक वाले ने क्या किया होगा, HDFC बैंक ने क्या किया होगा, जब मैं डेबिटेड करूंगा ना तो उसको क्या करेगा जी, वो क्रेडिटेड करेगा। हमने अगर कुछ डेबिटेड किया, हमने अगर अपने बैलेंस को बढ़ाया, हमने कहा कि हमारा एसेट्स बढ़ गया, लेकिन जब हमारा एसेट्स बढ़ेगा ना बच्चे, तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना पैसा बैंक में जमा करोगे उतना पैसा अब आपको बैंक से लेना है, और बैंक वाले ने क्या करना, उतना आपको देना है। तो याद रखना, जब भी कहते हैं कैशबुक में डेबिटेड, यानी कि पासबुक में क्या बोलेगा, क्रेडिटेड उसका मतलब, और इस दोनों का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, आपका पैसा बैंक में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ मेरी बात ना, आप इनके एंगल से पढ़िए, चाहे इनके एंगल से यहां पे डेबिटेड बोल दीजिए, चाहे इनके एंगल से क्रेडिटेड बोल दीजिए, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि बैंक का पैसा आपका बढ़ गया। समझ मेरी बात ना, ये इसका निकल के आता है। और अगर मान लो कहता है कि कैश बुक में आपने कोई एंट्री को क्रेडिटेड किया है, क्रेडिटेड मेरे बच्चे, तो डेबिट बैलेंस अगर मैं डेबिटेड करता हूं तो उसको बढ़ाना होगा। अगर मैं कहता हूं क्रेडिटेड, इसका मतलब क्या, डिक्रीज किया गया है, डिक्रीज इन आपका बैंक बैलेंस, बैंक में जो आपका पैसा है ना उसको जब डिक्रीज किया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटेड। कैसे याद रखेंगे जी, डेबिट बैलेंस हमेशा याद रखना, यहां से याद रखना हमेशा, डेबिट को हमने डेबिटेड कर दिया तो बैलेंस बढ़ जाएगा, और डेबिट को क्रेडिट कर दिया तो बैलेंस क्या होगा जी, कम हो जाएगा। मैं कहूंगा क्रेडिटेड तो बैंक क्या बोलेगा, उसको डेबिटेड बोलेगा, डेबिटेड कि भैया हमने तो आपके अकाउंट में डेबिटेड कर दिया। और मेरे बच्चे, इन सब का मीनिंग आपका यहां पे सेम निकल के आता है, आप इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि BRF में इन्हीं शब्दों में आके मेरे बच्चे फंसते हैं, आपको नहीं फंसने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप प्लीज कॉपी कीजिए, यहां पे इसको कॉपी करेंगे। सर हो गया, सर आगे बताइए मेरे बच्चे। अब ना हमने, अब इसके बाद मैं अब चैप्टर के अंदर एंट्री करता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार दोबारा आपको बता दूं कि BRF में हम क्या कर रहे हैं, BRF में हम लोग यहां पे बस इस बात का पता कर रहे हैं कि कैशबुक में जो आपका बैलेंस दिख रहा है और पासबुक में जो बैलेंस दिख रहा है उसके पीछे आखिर कौन कौन से डिफरेंसेज है, क्या डिफरेंसेज उनको पता कर रहे हैं।
मैं एक बार आपको रियल लाइफ में लेके आता हूँ, ये BRF का कॉन्सेप्ट क्यों है। मैं रियल लाइफ में आपको मेरे साथ साथ सुनना होगा, थोड़ा समझना होगा, लिखना बंद करना होगा। मैं रियल लाइफ में आता हूँ। आज आप एक छोटे से बच्चे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कल को मेरे बच्चे आप क्या हो गए ना, बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत बड़े आप, बहुत बड़े। आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया, आपने CA, CMA, CS, पता नहीं क्या क्या किया, आपने MBA किया, ये किया, वो किया, बहुत बड़े इंसान बन गए। और आपने क्या किया, मान लो एक बड़ी कंपनी, सपोज दैट टाटा के आप बन गए क्या जी, फाइनेंस मैनेजर। मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से इस चैप्टर का आपका। आप बन गए क्या जी, फाइनेंस मैनेजर आपका यहाँ पे, ठीक है ना। पता है जब आप किसी कंपनी के फाइनेंस को संभालते हो ना मैनेजर के रूप में, मतलब कि एक बड़े पोस्ट पे, आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। और मेरे बच्चे आपका एक एक समय जो होता है ना, एक एक मिनट जो होता है, बहुत कीमती होता है कंपनी के लिए। अब देखो आपको तो सारा चीज संभालना चाहिए कि आप बिजनेस में जो भी फाइनेंस है उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई गलतियां ना हो, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए मेरे बच्चे आप क्या करते हो कि आपके अंडर में जो कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनमें से एक और भी है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट, एक और जो अकाउंटेंट जो आपके अंडर में काम कर रहा है, आप अपने अकाउंटेंट को बोलते हो हर एक महीने के एंड में, हर एक महीने के एंड में। जनरली ऐसे तो BRF कभी भी बना सकते हैं, बट जनरली जो कंपनी जो होते हैं ना बच्चे, फर्म जो होते हैं ना, वो मंथली बेसिस पे बनाते हैं। मैं इसको लिखाऊंगा नोट ग्रुप में, पहले बात सुन लीजिए। तो आप क्या करते हो कि जो आपके अंडर में अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, उन अकाउंटेंट को आप बोलते हो कि देखो जी चलो 30 अप्रैल का आप BRF बनाइए, 30 अप्रैल का आप क्या बनाइए, BRF, मतलब कि अप्रैल महीने का बनाइए BRF। तो वो अकाउंटेंट क्या करता है कि अपने पास दो चीज रखता है, एक क्या, एक तो अकाउंटेंट के पास क्या है जी, कैशबुक है, कैशबुक जो उसने खुद मेंटेन किया है। हम कैशबुक के कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट के पास एक तो कैशबुक है मेरे बच्चे, अकाउंटेंट क्या करता है बैंक में फोन करके 30 अप्रैल तक का क्या मंगाता है, पासबुक मंगाता है, वो पासबुक का डुप्लीकेट कॉपी जो उसके पास आता है। तो देखो इमेजिनेशन में आ जाओ, देखो क्या होगा, आपने अपने अकाउंटेंट को कहा कि अकाउंटेंट आप ना एक काम करो, अप्रैल महीने का मुझे BRF बना के दो। तो अप्रैल महीने में क्या हुआ बच्चे कि आपका जो अकाउंटेंट है उसके पास पहले से कैशबुक है, एक कैशबुक जो उसने खुद मेंटेन किया है। 30 अप्रैल को अपने बैंक में फोन करेगा और बैंक से कहेगा कि बैंक भैया, बैंक भैया आपने जो हमारा अकाउंट मेंटेन किया है ना उसका डुप्लीकेट कॉपी आप हमें भेज दो। तो या तो वो क्या करेगा, मेल के थ्रू भेज देगा, या फिर आपको एक स्टेटमेंट भेज देगा, कैसे भी आपके पास क्या आ गया जी, पासबुक भी आपके पास आ गया। अब ये अकाउंटेंट देखता है मेरे बच्चे कि यार हमारे जो आपका, हमने जो अकाउंट मेंटेन किया है इसके मुताबिक 30 अप्रैल को मान लो 20 लाख का बैलेंस शो कर रहा है, बैंक में 20 लाख रुपए का बैलेंस। और उसी टाइम पे बैंक वाला कहता है कि नहीं जी हमारे पास आपका 18,50,000 का बैलेंस शो कर रहा है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना ये। तो अब जो ये दोनों में जो आपके डिफरेंसेज है ना बच्चे, क्योंकि आपके मुताबिक 20 लाख रुपए है और पासबुक के मुताबिक 1850 या 2050 कुछ भी आपका हो चुका है। तो ये जो आप हो ना, ये जो आप हो, आप अपने अकाउंटेंट को कहते हो कि यार इन दोनों में जो आपके डिफरेंसेज आ रहे हैं ना, डिफरेंसेज आ रहे हैं, आप उन डिफरेंसेज को पॉइंट टू पॉइंट मुझे बता दो कि आखिर ये डिफरेंसेज क्यों आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी रीजंस रहे होंगे वो आप हमें बता दो। क्यों बता दो, इसलिए क्योंकि आप टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है मेरे बच्चे कि आपको कैशबुक भी अपने पास रखो, पासबुक भी रखो, एक एक एंट्री को आप चेक करो और फिर आप देखो कि यार यहां पे ये एंट्री है, यहां पे ये नहीं है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपका टाइम कीमती है, आपका टाइम कीमती है, इसलिए आप अपने अकाउंटेंट को जिसका ये काम ही है वो उसको बोलोगे कि आप एक काम करो, जो आपका कैशबुक है ना, जो आपका कैशबुक है और जो आपका पासबुक है इसमें जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उन डिफरेंसेज के जो रीजंस है ना आप उनको मुझे सिर्फ बता दो, वो रीजंस बता दो। वो रीजंस मेरे बच्चे वो आपको कैसे बताएगा, इसी BRF के थ्रू। वो BRF एक बनाएगा और BRF बना के आपको वो रीजन बता देगा कि देखो जी ये रीजन है। जब वो रीजन आपके पास आ जाएंगे और आपको लगता है कि यार इसमें ये वैलिड रीजन है, ठीक है वैलिड क्या होता है हम आगे बताएंगे, लेकिन अगर लगता है कि यार ये तो गलत है, ये तो एंट्री गलत लिखा हुआ या कुछ गलती हो चुका है, तो फिर आप अपने अकाउंटेंट को बोलते हो कि भैया उसको सही करवाओ, या तो खुद करो या उनसे कराओ, वो कैसे हम देखेंगे अभी आपको।
ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो जाए कि BRS इसलिए आया मेरे बच्चे कि कंपनी के टॉप लेवल पे जो काम करते हैं दे हैव नॉट सो मच ऑफ टाइम टू रिकॉन्साइल ईच एंड एवरी आइटम। वो अपने अकाउंटेंट को कहते हैं कि आप कैशबुक को देखो, पासबुक को देखो, और इनमें अगर डिफरेंसेज कुछ आते हैं, अगर आते हैं तो उनका रीजन मुझे बताइए। सर अगर रीजन डिफरेंसेज ना आए तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई BRS बनेगा नहीं, लेकिन अगर कोई डिफरेंसेज है उनका रीजन मुझे बताइए, उसी BRS के थ्रू आप बनाते हैं। सर ये कैसे बनता है मेरे बच्चे, कैसे बनता है, इस बात को जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये जो रीजन्स जो क्रिएट होते हैं ना, ये जो रीजन्स क्रिएट होते हैं ये कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, आखिर क्या रीजन हो सकते हैं मेरे बच्चे। हजारों रीजन हो सकते हैं, लाखों रीजन हो सकते हैं, करोड़ों रीजन हो सकते हैं, उनका कोई लिमिट थोड़ा ही है। लेकिन उनमें से कुछ जो लिमिट हमारे एग्जाम में हमेशा आते हैं, वो रीजन्स जो आते हैं, मैं पहले एक बार उनका डिस्कशन कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। आइए ना, लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, लिखेंगे आपका अगला टॉपिक है मेरे साथ यहाँ पे, हेडिंग लिखेंगे आप, कितने पॉइंट्स हो चुके हैं जी, आई थिंक 3 हो चुके हैं, फोर्थ लिखेंगे आप, जो भी पॉइंट हो चुका है लिखेंगे आप, रीजन्स ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। आपके कैशबुक में एंड जो पासबुक है मेरे बच्चे, एंड पासबुक, उसमें जो डिफरेंसेज आ जाते हैं उनके पीछे क्या रीजन है, एक बार हम उन रीजन को देखते हैं। कभी कभी तो एग्जाम में यही आ जाता है कि राइट 3 और 4 मेन डिफरेंसेज बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। तो एनीवे बहुत रीजन हो सकते हैं, बट कुछ रीजन हमें पहले जानना होगा ताकि हमारा दिमाग ओपन हो कि आखिर क्या। और हाँ, जब भी मैं कैशबुक बोल रहा हूं ना बच्चे, तो कैशबुक में किस कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना। मैं लिखूं तब भी ना लिखूं तब भी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पे बैंक वाली एंट्री को ही हम चेक कर रहे हैं कि कितना हमने एंट्री किया, कितना बैंक वाले ने एंट्री किया, ठीक है ना। आइए जरा शुरू करेंगे, आप लिखेंगे पहला रीजन नंबर ए, यहां पे नंबर ए कहता है फर्स्ट रीजन में चेक्स डिपोजिटेड, लिखिए मेरे साथ, चेक्स डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कहता है कि एंटर्ड इन द पासबुक। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहला रीजन क्या बता रहा जी, हमने कुछ चेक बैंक में जमा किया है। देखो एक चीज मैं आपको लेकर आ जाऊं, मान लो ये जो BRS हो रहा है ना वो 30th अप्रैल का बना रहे हैं। मैंने पहले बताया कोई भी महीना हो सकता है, जनरली हम लोग हर एक महीने के एंड में बनाते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चे, 30th अप्रैल को अगर हम BRS बना रहे हैं तो एक एंट्री बता रहा है कि हमने कुछ चेक्स बैंक में जमा किया है लेकिन अभी तक उसका पासबुक में एंट्री नहीं है। मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, ये देखो आप, ये डायग्राम आप मेरे साथ बनाएंगे ताकि रिविजन में आपको दिक्कत नहीं होगा। मान लो हम अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं, तो ये 1st अप्रैल से लेकर आपका 30th अप्रैल का मैंने क्या किया, एक मंथ यहां पे बना दे दिया बच्चे इस डायग्राम पे। और कहते हैं कि COC ने, मतलब जिसका हम BRS बना रहे, मान लो फर्म आपका COC है, COC ने मेरे बच्चे कहता है कि मान लो यहां पे 29th अप्रैल को 29 तारीख को हमने क्या किया, 2 लाख रुपीज के चेक को हमने बैंक में जमा किया, 2 लाख रुपए का चेक हमने क्या किया, बैंक में जमा किया। तो पता है जब आप रियल लाइफ में आओगे ना, तो रियल लाइफ में क्या होता है, जिस दिन चेक बैंक में जमा होता है ना बच्चे, जिस दिन चेक बैंक में जमा होगा, मतलब कि अगर मेरा अकाउंटेंट एक चेक कलेक्ट किया किसी से और उस चेक को बैंक में जमा करता है, तो जिस दिन बैंक में वो जमा करेगा ना, उसी दिन क्या करता है, वो कैशबुक को बढ़ा देता है। ये हमारा मान लो C4 कैशबुक है और P4 पासबुक है। मैंने क्या बोला जी, C4 कैशबुक, ये मान लो कैशबुक है और ये आपका पासबुक है, पासबुक। और जब मैं कैशबुक की बात कर रहा हूं ना, तो कैशबुक के किस कॉलम की बात कर रहा हूं जी, बैंक कॉलम का। मैं अभी तक आपको बार बार ये लिख रहा हूं, लेकिन आगे से लिखना छोड़ दूंगा। हमेशा याद रखना कि BRS में जब भी हम कैशबुक की बात कर रहे हैं तो हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे देखो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में कि अगर 29th अप्रैल को कोई चेक मैं बैंक में जमा करता हूं, तो मेरा अकाउंटेंट क्या करता है, उसी दिन मेरे कैशबुक में एंट्री कर लेता है, मतलब कैशबुक को बढ़ा देता है कि चेक मेरे अकाउंट में जमा किया ना, ये मानते हुए कि पैसा मेरे बैंक में आ जाएगा, वो क्या करेगा, एंट्री कर लेता है। सर नहीं आया तो वो बात की बात, हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल क्या होगा जी, ये जो रियल लाइफ में एंट्री होने का तरीका हो तो मैं वो बता रहा हूं, ये कैशबुक बढ़ा दिया जाता है।
लेकिन मेरे बच्चे पासबुक में यानी कि बैंक हमारे चेक जमा करते ही बैंक वाला हमारा अकाउंट नहीं बढ़ा देता है। बैंक क्या करेगा कि जो चेक हमने जमा किया है उस चेक को वो लेकर उस आदमी के पास जाएगा जिसने हमें चेक दिया था, और उसके बैंक से पैसा कलेक्ट करके जब मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है तब बैंक वाला मेरे अकाउंट को बढ़ाता है। मतलब मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं कि जो मेरा बैंक है, मान लो HDFC बैंक, हमने क्या किया 29 तारीख को चेक हमने जमा किया, तो 29 को अगर मैं चेक जमा करूंगा तो इसी दिन बैंक वाला मेरे अकाउंट को नहीं बढ़ा देता। ये बैंक वाला क्या करेगा, जिस चेक को मैंने 29 को जमा किया है वो चेक जिस पार्टी ने मुझे दिया था उस पार्टी के बैंक में लेकर बैंक वाला जाता है, उसके अकाउंट से पैसा निकालेगा, मेरे अकाउंट में पैसा जमा करेगा, और जमा करते फिर क्या करेगा जी, पासबुक को बढ़ा देगा। समझ मेरी बात नहीं यहाँ पे? और ये काम को करने में मेरे बच्चे कि चेक को आपको वहां पे प्रेजेंट करना, फिर वहां से पेमेंट लेना, मेरे अकाउंट में जमा करना, लगभग 3 दिन का समय लग जाता है। लगभग की बात करूं, कभी कम ज्यादा भी होगा, बट मान लो कि 3 दिन का समय लग गया। अब होता क्या है, यहां पे जरा नजर डालिए कि 29 अप्रैल को मान लो हमने क्या किया, चेक जमा किया, तो उस दिन हमने क्या किया जी, कैशबुक को बढ़ा दिया। लेकिन मेरे बच्चे ये पैसा मेरे बैंक में जो आया ना, बैंक में मान लो वो 2 मई को आया, 2 मई को, कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 मई को यहां पे क्या है जी कि अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक यानी कि बाय द HDFC बैंक, पूरा लिख देता हूं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो, HDFC बैंक आपका इस दिन कलेक्ट हुआ, और हम BRS का बना रहे बच्चे, ये हमारा 30 अप्रैल को BRS बन रहा है, इस दिन पे BRS बन रहा है। तो अगर 30 अप्रैल को BRS बन रहा है तो देखो जरा यहां पे क्या नजर आएगा, क्योंकि आपके कैशबुक में एंट्री 29 को हो चुका है तो कैशबुक आपका अप है। मुझे बताओ कि 30 अप्रैल तक, इसके बाद की बात नहीं कर रहा मैं, 30 अप्रैल तक क्या बैंक ने कोई एंट्री किया है क्या? क्या बैंक ने 30 अप्रैल तक जो मैंने सिचुएशन बताया उसके मुताबिक पैसा निकालकर मेरे अकाउंट में जमा कर लिया है क्या? नहीं जमा किया। अब देखो ना, वो तो 2 तारीख को हो रहा है और हम BRS कब बना रहे, 30 तारीख को। तो 30 अप्रैल को क्या सिचुएशन है बच्चे, 30 अप्रैल को सिचुएशन दिख रहा है कि कैशबुक तो आपका अप होगा क्योंकि कैशबुक में वो एंट्री हो चुकी है, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, तो पासबुक आपका यहीं पे दिख रहा होगा। आप एक काम करो ना, इसको लिखने के बाद ये भी बातें लिखिए ताकि आपको समझ में आए, 29 को 2 लाख का हमने क्या किया, चेक डिपोजिटेड, यहां पे हमने क्या किया था जी, चेक डिपोजिट किया था, है ना, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। लेकिन आपका चेक का पैसा कलेक्ट कब किया बैंक ने, 2 तारीख को, BRS कब बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, कैशबुक आपका अप है, ऊपर का मतलब कि यहाँ पर अब है अप, और पासबुक कितने से अप है जी, 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए, मतलब कि हमारे कैशबुक और पासबुक में एक डिफरेंस दिख रहा होगा 2 लाख रुपए का, जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज द फर्स्ट रीजन आपका, फर्स्ट रीजन आपका, ना कम टू पॉइंट नंबर बी। सर ये गलत नहीं हुआ मेरे बच्चे, गलत सही की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, गलत क्या होगा सही क्या होगा हम आगे देखेंगे ना, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस दिन हम BRS बना रहे हैं उस दिन कैशबुक में और पासबुक में अगर डिफरेंसेज आए हैं तो उनका क्या रीजन है, वो रीजन गलत है सही, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर, बस रीजन को लिख रहे हैं आपका। पहला नंबर 2 लिखिए आप यहां पे, नंबर 2 कहता कि चेक इश्यूड बट नॉट येट presented, but not yet presented for payment to the bank। सर इसका क्या मतलब हुआ, लिख लो पहले यहां पे फिर बताता हूं आपको। कहता कि हमने चेक इश्यू तो किया है लेकिन मेरे बच्चे अभी तक कहता है कि हमने बैंक को प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब होता है ये हमारा, फिर से मैं ले लेता हूं आपको, ये कैशबुक हमारा है और अब ना मैं बैंक कॉलम लिखना बंद कर दूंगा, कैशबुक का मतलब ही हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, और ये हमारा मेरे बच्चे पासबुक आपका है, ये पासबुक है, ठीक है ना। और इसका क्या मीनिंग है मैं आपको यहां पे एक डायग्राम से समझा रहा हूं। ये आपका 30 अप्रैल को हमने क्या किया, डेट लिया जिस दिन हम BRS बना रहे हैं, है ना, जिस दिन हम रीजन को पता कर रहे हैं। पता क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चेक इश्यूड मेरे बच्चे हमें किसी को पेमेंट करना था, कोई किसी से हमने सामान परचेज किया था, किसी से हमने कोई एसेट्स परचेज किया था, कुछ भी रीजन हो सकता है, और हमने क्या किया था जी, उसका पेमेंट किया था यहां पे, मान लो
26 अप्रैल को मेरे बच्चे 26 अप्रैल को रुपीज 1 लाख रुपीज का 1 लाख रुपए का हमने क्या किया थे, चेक को इश्यू किया था मेरे बच्चे। चेक इश्यू का मतलब हमने किसी को दिया था कि लो भैया आप मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। ये कब किया था हमने, 26 अप्रैल को। जिस पार्टी को, जिस आदमी को, जिस इंसान को हमने चेक दिया था ना 26 को कि जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, मेरे बच्चे उस इंसान के पास, उस आदमी के पास 3 मंथ्स का टाइम होता है, 3 महीने का। वो आज से अगले 3 महीने में कभी भी जाके मेरे अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, कभी भी, उसकी मर्जी है। सर क्यों मर्जी है, आरबीआई ने कहा है कि देखो जी जो चेक आपने किसी को दिया है तो जो चेक पे डेट लिखा है उस डेट से अगले 3 मंथ्स में कभी भी जाके वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। तो मेरे बच्चे मान लो 26 को हमने किसी को चेक दिया था और जिस आदमी को चेक दिया था अभी तक वो हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला है, कब तक, वो 30 अप्रैल तक। वो मेरे अकाउंट से पता है क्या हुआ, वो कहता है कि 15 मई को जाकर मेरे अकाउंट से पैसा निकाला, यानी कि आपका चेक जो है ना, चेक कहते हैं उसको प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब कि मेरे बैंक में प्रेजेंट किया गया कि दो भैया पेमेंट दो इसके बदले में। चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट वो कौन सा डेट बता रहा, आपका 15 मई को, मान लो 15 तारीख को। तो सोचो ना कि हमें 30 अप्रैल को अगर मैं कैशबुक और पासबुक में जो डिफरेंसेज है उसके पीछे का अगर रीजन जानना चाहता हूं तो हमें यहां पे क्या नजर आ रहा होगा जी, बस यहां तक की बात सुनना, यहां तक की सुनो ना। अगर हमने 1 लाख का चेक इश्यू कर दिया है तो मेरे बच्चे कैशबुक में 1 लाख रुपीज माइनस करने की आपको एंट्री यहां दिखेगी, यानी कि कैशबुक का जो बैंक कॉलम है हमने उसमें 1 लाख रुपीज माइनस कर दिया है। ये रूल होता है, जैसे ही मैंने चेक आपको किसी को दिया ना, जब चेक हमने दिया कि जाओ जी मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, तो हमारे लिए मेरे बच्चे वो 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकल गया। अब वो पैसे मेरा अधिकार नहीं है, उस पैसे का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो पैसा उस आदमी का है जिसको मैंने चेक दिया था, वो कभी भी निकाला हमें क्या फर्क पड़ता है। तो हमारा कैशबुक जो है ना वो 1 लाख से डाउन हो चुका है, लेकिन क्योंकि इसकी एंट्री 30 अप्रैल तक मेरे बच्चे पासबुक में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 30 अप्रैल तक वो आदमी मेरे अकाउंट से पैसा निकाला ही नहीं है, तो उस केस में पासबुक क्या होगा आपका यहीं पे दिखेगा। तो आप देखो ना, ये सेकेंड ऐसा रीजन दिख रहा है जिसके चलते क्या कैशबुक आपका डाउन है, कैशबुक डाउन है और पासबुक आपका वहीं पे है ना। हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं आखिर कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनके चलते कैशबुक में और पासबुक में डिफरेंसेज आ सकते हैं, उन्हीं डिफरेंसेज को मेरे बच्चे मैं यहां पे बता रहा हूं। एक रीजन, आपका चेक हमने जमा किया लेकिन अभी तक बैंक ने पासबुक में एंट्री नहीं किया, मतलब पैसा बैंक में अभी तक नहीं आया है। और दूसरा, आपने क्या देखा, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। प्लीज कॉपी करेंगे इसको आप, ठीक है ना, 2 पॉइंट हो गए। नाउ कम टू सी, थर्ड पॉइंट यहां पे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे सी, लिखेंगे आप सी में, कहता है कि पेमेंट, पेमेंट डायरेक्टली, डायरेक्टली रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय द बैंक, बाय द बैंक, बाय द बैंक, नॉट एंटर्ड, नॉट एंटर्ड, नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक, इन द कैशबुक। सर इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आप पहले यहां पे मेरे बच्चे, मैं पहले फिर से सी और पी लिख देता हूं, अब कैशबुक पासबुक भी नहीं, सी फॉर कैशबुक, पी फॉर पासबुक। बस पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जिसको हमने सामान बेचा है ना, जिस कस्टमर को हमने सामान बेचा है, वो क्या करता है बच्चे कि बोलता है कि ठीक है जी मैं आप पैसा ना आपके अकाउंट में जमा कर दूंगा, हमसे अकाउंट डिटेल वो ले लेता है। कई सारे बच्चे भी हमारे हैं जो इस तरीके से करते हैं कि उन्होंने अकाउंट डिटेल ले लिया, बोला कि ठीक है मैं पैसा जमा कर दूंगा, और वो क्या करते हैं, वो पैसा मेरे बैंक में जमा कर देते हैं। पैसा उन्होंने आज जमा किया है लेकिन हमें इन्फॉर्म करते हैं 2-3 दिनों के बाद। तो मेरे बच्चे जब तक आप हमें इन्फॉर्म नहीं करोगे तब तक तो हम एंट्री नहीं करेंगे, हमें पता नहीं है, समझ मेरी बात। अगर ये मेरा आपका 30 अप्रैल है जिस दिन हम BRS बना रहे हैं, ये आपका BRS बनाने का डेट है, BRS डेट आपका, पर बच्चे एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा मेरे बैंक में जमा कर दिया, तो पैसा बैंक में जमा करने का मतलब कि जो पासबुक है पासबुक में क्या हो चुका है, वो एंट्री हो चुका है जी, पासबुक में हो चुका है, क्योंकि पैसा जब बैंक में गया तो बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट में एंट्री कर लिया होगा, तो पासबुक तो अप है, पासबुक बढ़ चुका है, लेकिन इसकी एंट्री अभी हमें नहीं पता। सर क्यों नहीं पता, अरे उस कस्टमर ने बताया ही नहीं कि हमने आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया,
वो आज कल दो तीन तीन दिन के बाद बताएगा, ऐसा हमेशा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे बच्चे हमें जिस दिन हम BRS बना रहे हैं उस दिन हमें क्या दिख रहा है जी कि पासबुक आपका अप हो चुका है, पासबुक में एंट्री हो चुकी है। मान लो वह एंट्री आपका 50,000 का है, 50,000 रुपए का, लेकिन कैशबुक में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि कैशबुक जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम कैसे करेंगे। समझो मेरी बात ना, हमें अगर कस्टमर इंटीमेट कर देगा कि हाँ जी हमने पैसा आपको जमा कर दिया है, तो हम अपने बैंक में चेक करेंगे कि हाँ पैसा आ चुका है, अगर आ तो हमें एंट्री कर दिए रहते हैं। लेकिन हमने कहा कि बट नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक का मतलब हुआ कि अभी हमें उसके बारे में नहीं पता, हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं किया है। तो पासबुक अप है, कैशबुक वहीं पे। फोर्थ लिखिए आप, यहाँ पे फोर्थ लिखेंगे। कहता कि पेमेंट पेमेंट मेड मेड बाय द बैंक मेड बाय द बैंक अंडर अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट एंटर्ड या नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है मेरे बच्चे? पहले कैशबुक पासबुक ये लिखेंगे, यही हमारा मंत्र होगा इस चैप्टर में मास्टरी करने का। पता है अक्सर देखा गया है कई सारे फॉर्म, मैं भी अपनी बात करता हूं, कई सारे ऐसे पेमेंट होते हैं जो पेमेंट मतलब कि रूटीन में होते हैं बच्चे, हमारे गूगल ड्राइव का पेमेंट, हमारे जो लाइसेंस जो हम इश्यू करते हैं उसका पेमेंट, हमने जो मार्केटिंग होता है उसका पेमेंट, बहुत सारे पेमेंट होते हैं जो कि आपका मतलब कि हमेशा होते हैं। तो हमने क्या किया है ना, अपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि देखो जी इतने अमाउंट का इस कंपनी से जब भी पेमेंट आपके पास आएगा कि हाँ जी ये पैसा पे करना है कि नहीं करना है, तो आप पे कर देना, आप उनको पे कर देना। मेरे बच्चे समझो मेरी बात कि अगर हमने बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर ऐसा कोई पेमेंट इस कंपनी का आपके पास आएगा तो आप पेमेंट कर देना, हमें बाद में इन्फॉर्म कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ये राइट देते हैं। तो मेरे बच्चे अगर कहता है कि पेमेंट मेड बाय द बैंक, अगर बैंक ने ऐसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि हमने पहले से आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अगर हमने कोई बैंक को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और बैंक ने क्या किया पेमेंट कर दिया, तो यानी कि पासबुक क्या कर चुका है, जो डाउन कर चुका है हमारे पासबुक मतलब कि जो हमारा अकाउंट वो मेंटेन कर रहा है उसमें से पेमेंट कर दिया ना बच्चे, तो उतना अकाउंट हमारे अकाउंट से अमाउंट हम हमारे अकाउंट से कम कर दिया होगा। लेकिन कहता है कि ये कैशबुक में अभी तक एंट्री नहीं है, मतलब ये जो बैंक ने पेमेंट किया है अभी तक हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं किया, उसको नहीं पता होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है, रीजन पे मत जाओ ना, हम तो कह रहे कि भैया मान लो कि हमारे अकाउंटेंट को अभी नहीं पता है, तो पासबुक तो आपको डाउन दिखेगा बट कैशबुक में कोई एंट्री उसको नजर नहीं आएगी उस दिन तक जिस दिन हम BRS बन रहे। इमेजिनेशन में आ जाओ, इमेजिनेशन में क्या हो रहा है जी, आप क्या कर रहे हो कि आप अपने अकाउंटेंट को बोले हो कि अकाउंटेंट जल्दी से काम करो, जो कैशबुक है और जो पासबुक है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है, वो डिफरेंसेज मुझे एक पेपर पे लिख के दो। तो आपका अकाउंटेंट क्या कर रहा है मेरे बच्चे, एक जगह रखा अपना कैशबुक और एक जगह रखा वो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ पासबुक का आपके एंड ऑफ अप्रैल में, और देख रहा है कि कौन कौन सी एंट्री यहां पे है और यहां पे नहीं है, या फिर यहां पे है और यहां पे नहीं है, उन्हीं चीजों को क्या कर रहा वो लिख लिख के आपको बताएगा। तो उसमें एक रीजन क्या नजर आया कि कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे पहले से पेमेंट हुआ है, बैंक ने पेमेंट कर दिया, हमने उसकी एंट्री नहीं की है, तो वो वहां पे दिखेगा। हम अभी रेक्टिफाई नहीं कर रहे बच्चे, हमारा काम अभी रेक्टिफिकेशन नहीं, हम वो भी करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी काम हमारा रेक्टिफिकेशन कतई नहीं है, हमारा काम है सिर्फ रीजन्स ढूंढना कि आखिर डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। बार बार इसी पे जोड़ रहे दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ABCD था, नाउ कम टू पॉइंट नंबर ई। कहता है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने क्या किया, हमें कुछ इंटरेस्ट दिया है, कहता है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इंटू कैशबुक। कहता है कि बैंक ने हमें कुछ इंटरेस्ट दिया था। तो मेरे बच्चे कैशबुक और पासबुक सुनो ना, बैंक जब कुछ इंटरेस्ट अगर आपको देगा,
बैंक अगर कुछ इंटरेस्ट आपको देगा तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट को बढ़ा देगा। होता ना बच्चे, इंटरेस्ट का पैसा आपके अकाउंट में आया तो पासबुक क्या हो गया जी, आपका अप हो गया। लेकिन क्या जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो आपको फोन करता है क्या कि हाँ जी भैया हमने आपको इंटरेस्ट दिया है? वो नहीं करता, बोलता भैया हम थोड़े फोन करेंगे, हमने क्या किया जी आपके अकाउंट को बढ़ा दिया है, जब लास्ट में आपके पास स्टेटमेंट आएगा तो देख लेना उसमें आपके पास एंट्री है। तो मेरे बच्चे 30 अप्रैल जिस दिन BRS बना रहे हो उस दिन तक हमें क्या दिख रहा है कि बैंक ने हमें कुछ इंटरेस्ट दिया है और वो इंटरेस्ट पासबुक में तो आपकी एंट्री दिख रहा है बट कैशबुक में नहीं दिख रहा है। इसके चलते क्या हुआ जी, डिफरेंसेज आ गया पासबुक कैशबुक में। प्लीज कॉपी करेंगे, अगला लिखिए एफ नंबर आपका। बहुत रीजन हो सकते हैं, बहुत रीजन, कुछ रीजन बता रहा हूं, बाकी तो हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। लिखना इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑब्लिक या फिर बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आप जानते हो ना बैंक कई तरीके के चार्जेज आपसे लेता है, आपको जो बैंक ने ATM दिया है, आपको जो पासबुक दिया है, और भी कई तरीके का चार्जेज होता है, आपने किसी को पैसा IMPS ट्रांसफर किया है, तो मेरे बच्चे बैंक ना कुछ चार्जेज काटता है आपसे। या फिर बैंक से अगर आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया है, बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो आपके अकाउंट से सीधे पैसा माइनस कर देता है। कोई भी, चाहे कोई बैंक चार्जेज हो चाहे इंटरेस्ट हो, अगर बैंक ने चार्ज किया तो मेरे बच्चे आपके पासबुक में क्या करेगा जो वो माइनस कर देगा। पासबुक का मतलब क्या है, जो आपका अकाउंट वो मेंटेन कर रहा है ना, वो अकाउंट वो पैसा और कम कर देगा कि भैया हमने आपके अकाउंट से इतना पैसा निकाल लिया है। तो पासबुक क्या होगा बच्चे, आपका डाउन हो जाएगा, लेकिन इसकी एंट्री कहता है कि जिस दिन BRS बना रहे हो उस दिन तक कैशबुक में नहीं है, और अगर कैशबुक में नहीं है तो कैशबुक क्या आपका वहीं पे दिख रहा आपका, तो पासबुक आपका डाउन है और कैशबुक क्या है आपका वहीं पे। ये एफ पॉइंट हो गया, इंटरेस्ट चार्ज्ड या फिर बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। पर बच्चे इसके साथ साथ अभी पता नहीं कितने रीजन हो सकते हैं, मैं कितने बताऊं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कौन कौन से रीजंस हैं डिफरेंसेज आने के, तो मैंने 6 आपको बता दिए ना। इसके बाद अभी जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें हजारों रीजंस आएंगे, उनमें से कोई रीजन लिख देना। ये 6 इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अक्सर देखा गया कि कभी आया तो 3 से 4 नंबर में कुछ पूछ सकता है, पूछ दिया तो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैं अब एक काम करता हूं, बिना समय बर्बाद किए बगैर आपको दिखाता हूं कि अब आप BRS कितने आसानी से बना सकते हैं। पर बच्चे एक मिनट माफ कीजिए, आप सिर्फ एक मिनट, मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करा के जो चीजें हमने अभी तक पढ़ा फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने अभी तक क्या क्या बताया जी, क्योंकि BRS के क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। मेरे बच्चे BRS हर एक महीने के एंड में बनता है, जनरली आप कभी भी बना सकते हैं, बट एग्जाम में आ जाए कि BRS इज जनरली प्रिपेयर तो क्या बोलेंगे, मंथली आपका होता है, जनरली मंथली बनता है कंपनी के अंदर में। हम BRS में क्या करते हैं, तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो आपका पासबुक है, इनके बीच में जो आपके डिफरेंसेज आ जाते हैं, जो अमाउंट अलग अलग दिखता है, उसके पीछे क्या रीजंस है मेरे बच्चे, सिर्फ उन रीजंस को ढूंढकर अपने सीनियर को बताने के लिए BRS बनाया जाता है, ताकि जो सीनियर है टॉप पे, जो आपके जैसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनका टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो उनको रीजंस को ढूंढने में आपका, ठीक है ना, उसलिए बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कैशबुक के बैंक कॉलम में अगर डेबिट बैलेंस है, कैशबुक में डेबिट मतलब कि मेरा पैसा बैंक में जमा है, मैं अगर अपने कैशबुक में डेबिट कहूंगा तो पासबुक यानी कि बैंक उस समय क्या बोलेगा, क्रेडिट, क्योंकि यहां पे सारी बातें बैंक के हम एंगल से सोचते हैं। मेरा पैसा 5 लाख बैंक में जमा है, मेरा एसेट से बैंक की लायबिलिटी है क्योंकि बैंक ने पैसा आपको वापस करना है, तो मेरे में डेबिट, इनका क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या जी, फेवरेबल, और अनफेवरेबल का मतलब कि मेरे में क्रेडिट यानी कि वहां पे डेबिट आपका, इसका मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है जी, ओवरड्राफ्ट होता है। फिर हम यहां से सोचना शुरू करेंगे, अगर डेबिट बैलेंस जो कैशबुक में है, कैशबुक में कुछ भी कहता है डेबिटेड किया,
तो डेबिट को और डेबिट किया, मतलब हमने बैंक बैलेंस को क्या किया होगा जी, बढ़ाया होगा। यहां पे डेबिटेड, यहां क्या बोला जाएगा, क्रेडिटेड, और फिर वैसे वर्षा उल्टा आपका यहां पे निकल के आएगा। इसके बाद मेरे बच्चे मैंने आपको बताया वही बड़े छोटे की कहानी, और डिफरेंसेज आने के क्या रीजन से, उन्हीं रीजन को मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। पता नहीं हमारा एक घंटा लगभग कैसे गुजर चुका, लेकिन अभी अभी मन शांत नहीं है। तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि चैप्टर के इनडेप्थ कॉन्सेप्ट पे हम कमांड ना कर ले और बीआरएफ बनाने का हमारे पास तरीका ना पता चल जाए। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि बुकलेट के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैं बीआरएफ बनाऊं कि आखिर वो जो अकाउंटेंट है, वो जो अकाउंटेंट है, ये इंसान, ये जो अकाउंटेंट है वो आपको, ये जो अकाउंटेंट है वो आखिर जो ये रीजंस ढूंढेगा ना, ये जो रीजंस ढूंढेगा वो रीजंस कैसे ढूंढकर इनके पास रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कहां तैयार होगा, बीआरएस के अंदर में। तो हम वो रिपोर्ट आपको बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये बीआरएस बनाने के हजारों तरीके मेरे बच्चे, हजारों। जनरली दो तरीका हम हर एक बुक में पढ़ते हैं, मैं हजारों छोड़ो ना, दो भी छोड़ो ना, मैं पहले वो सिंपलेस्ट तरीका आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से बीआरएस बना सकते हैं, जो तरीका खास मैंने आपके लिए डेवलप किया है। आओ जरा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां से शुरू करते हैं। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे, इसको मिटा दूं मैं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। हमें हमें बस याद रखना, ये जो बड़ा इंसान था ना यहाँ पे, बड़ा जो दिख रहा था वही बनना बच्चे। जिस कंपनी में रहूं, चाहे अपनी कंपनी खुद खोलूं, मुझे ये बनना है, वो नहीं बनना। हमें कोशिश करना है, जिंदगी यही है बच्चे, हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा बनो, बड़ा करो, तभी बात बनती है। सुनो ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। सीओसी सीए क्लासेस, इस पे जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है मेरे और मेरे टीम के द्वारा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे बच्चे एक काम जरूर करेंगे, हमारे वीडियोज को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड अपने फ्रेंड्स को भी आप इनवाइट करेंगे इस चैनल पे आने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सुनो ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। अरे क्वेश्चन 1 में कहता है कि सीओसी एजुकेशन लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा ये सीओसी, मैं जानता हूं कि आपके रग रग में, खून खून में बस चुका है मेरे बच्चे। जब भी सुबह शाम रात दिन कभी भी आप घर से बाहर निकलते हो, कोई मिलता है, कोई दोस्त मिलता है, तो उससे सीओसी की ही बात करने का मन करता है, सिर्फ सीओसी सीओसी सीओसी। लेकिन अभी इमोशन पे कंट्रोल करो और आओ जरा पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि सीओसी एजुकेशन लिमिटेड हैज ए करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक बैंक है जिसमें कि सीओसी एजुकेशन का करंट अकाउंट है। दो तरीके के अकाउंट बैंक में होते हैं, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। आपके मम्मी पापा जो कि कहीं जॉब अगर करते हैं तो मेरे बच्चे उनका अकाउंट बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो फर्म होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, उनका बैंक में करंट अकाउंट होता है। सर इस दोनों में क्या फर्क होता है, वो यहां पे मौका नहीं समझने का, फिलहाल ये समझ लिए कि अगर सीओसी एजुकेशन का कहता है कि बैंक में करंट अकाउंट है तो मतलब कि बैंक अकाउंट है वहां पे बस, और कुछ भी नहीं आपका, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कहता है कि 31 मार्च 2022 को बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300। मेरे बच्चे पता ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि कौन सा डेट बता रहा आपको जी, 31 मार्च 2022 को हमारे अकाउंटेंट ने चेक किया कि यार बैंक में कैशबुक के बैंक, पढ़ो ना फिर से एक बार, सीओसी एजुकेशन लिमिटेड हैज ए करंट अकाउंट विद स्टेट बैंक। कहता है कि बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक, ये देखो कैशबुक का बैंक कॉलम, ऑब्वियस बात है हमेशा बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। कहता है कि शोड अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मेरे बच्चे, डेबिट बैलेंस, तो कैशबुक में डेबिट का मतलब क्या जी, फेवरेबल बैलेंस है, मतलब मेरा पैसा बैंक में जमा है कितना जी, 1,54,300। 31 मार्च को हमारे इमेजिनेशन में आइए, 31 मार्च को हमारे अकाउंटेंट ने जिस दिन बीआरएस बना रहा है उस दिन कैशबुक में बैलेंस कितना देखा, इतना बैलेंस देखा, पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल आपका। कहता कि हाउएवर बैंक स्टेटमेंट शोड अ डिफरेंट बैलेंस एज ऑन दैट डेट। कहता है कि उस दिन पासबुक में ना ये बैलेंस नहीं था, कुछ अलग था। अब कुछ अलग कितना था मैंने पता, बट हाँ कुछ अलग था, इससे हटके था मेरे बच्चे। जब भी बैलेंस इससे हटकर रहेगा तो आपका सीनियर हमेशा जानना चाहेगा कि इन दोनों के बीच में आखिर कौन कौन से डिफरेंसेज है। तो पता क्या हुआ होगा, ये अलग बैलेंस दिखा रहा है, ये अलग बैलेंस दिखा रहा होगा, तो वो अकाउंटेंट ने, मान लो फिलहाल अभी आप अकाउंटेंट हो, आपने क्या किया होगा, ये रहा आपके पास कैशबुक और ये रहा आपके पास पासबुक।
कैशबुक में बैलेंस कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है। पासबुक में बैलेंस कितना दिख रहा है, इतना, जो भी बैलेंस रहा होगा वो दिख रहा होगा। और अब आपने चेक किया कि अरे दोनों में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, आपने चेक किया। मेरे बच्चे वो चेक करके जो रीजंस निकल के आए ना, वो रीजंस खुद क्वेश्चन आपको बता रहा है 1 to 6 पॉइंट में। वो बता रहा है कि इनके बीच में जो डिफरेंसेज है, वो जो रीजंस है ना बच्चे, वो रीजंस 1 to 6 यानी कि ढूंढ लिया उसने, 6 रीजंस है उन डिफरेंसेज का। कहता है कि आपको यहां पे BRS बनाना है, मतलब कि ये जो रिपोर्ट बनाकर वो अकाउंटेंट ने अपने सीनियर को दिया होगा, वो आप BRS बना के दिखा दीजिए। आइए मैं शुरू करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं ये BRS कैसे बनेगा। आप एक काम कीजिए, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे सॉल्यूशन मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर वन का आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इसमें आपने क्या करना है जी, अब BRS बनाना है। तो मेरे साथ लिखिए आप यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बार बार मैं जोड़ दे रहा हूं कि भूल कर भी इस चैप्टर में रेक्टिफिकेशन मत समझ लेना, हम गलती नहीं सुधार रहे हैं, बस डिफरेंसेस जो आए हैं ना दोनों में उसको हम ढूंढ के यहां पे सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, हम कब बना रहे हैं क्वेश्चन में जी, 31 मार्च 2022 को। एग्जाम में आ जाए कि BRS कैसे बनता है, कब बनता है, तो जनरली मंथली बनता है। ये रहा मेरे बच्चे फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूं, ये फॉर्मेट बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल तरीका है, वो मैं आपको डेवलप कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ करेंगे। ये हमारे पास रहा, इस कॉलम को ना मैं कलर चेंज कर लूं क्या, इस कॉलम को कहूंगा मैं प्लस कॉलम। क्या लिखा हमने, प्लस कॉलम, और इसको लिखूंगा मैं माइनस कॉलम। मैं दोबारा एक बार आपको बता दूं, BRS बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे तरीके, उनमें जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है बच्चे, सबसे सिंपल वे है, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, और दूसरा कुछ भी नहीं। अगर कोई दोस्त आपका बोलता है कि यार मैंने ऐसे पढ़ा है वैसे पढ़ा है, तो आप बोलना कि हमारे संतोष सर ने भी बोला है कि सारे तरीके बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट आपका सबसे सिंपल तरीके से लेकर चलता हूं। ये उनको पता भी नहीं होगा शायद, लेकिन आपको सब कुछ पता रहेगा। सुने मेरी बात ध्यान से, ये मैं क्या बता रहा हूं। तो पहले हमने क्या लिखा, पहले वाले कॉलम को बोला प्लस कॉलम, इसको बोला माइनस कॉलम, और ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, जहां पे हम बाकी बातें लिखेंगे, पर्टिकुलर्स आपका, ठीक है ना। जरा मुझे बताओ कि क्वेश्चन में आपका फर्स्ट लाइन पढ़ना, सीओसी एजुकेशन लिमिटेड हैज ए करंट अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे कहता है कि 31 मार्च को बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस। तो बताइए कि कैशबुक में अगर डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल है। सर फेवरेबल है, और फेवरेबल को मैं पता यहां क्या लिख दूंगा, बैलेंस। मैं लिख दूंगा यहां पे बैलेंस है एज पर किसके मुताबिक जी, कैशबुक के मुताबिक, है ना, ये कैशबुक के मुताबिक है। ये देखिए आप यहां पे, ये जो बैलेंस है मेरे बच्चे, ये देखिए ये 154,300 का जो अमाउंट है वो क्या, कैशबुक के मुताबिक है, डेबिट यानी कि फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस भी लिख सकते हैं, बट जनरली जो फेवरेबल होता है ना हम उसको बोलते हैं बैलेंस, और जो अनफेवरेबल होता है ना हम उसको बोलते हैं आपका ओवरड्राफ्ट। तो फेवरेबल को हम बोल देते हैं बैलेंस, अनफेवरेबल को क्या बोल देते हैं, ओवरड्राफ्ट, वो भी ठीक है। और आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो क्या जी, फेवरेबल बैलेंस, आपकी मर्जी। मैं क्योंकि अभी समझा रहा हूं इसलिए पहला क्वेश्चन है, इसलिए ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं फेवरेबल, आप भी लिख लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे से बैलेंस का मतलब फेवरेबल ही होता है, ठीक है ना। बैलेंस मतलब कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो 1,54,300 रुपीज आपका बैंक में है, ये आपका बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है कि निगेटिव बैलेंस है। आप मुझे बताओ कि कैशबुक में जो 1,54,300 क्वेश्चन में दिख रहा है मेरे बच्चे, ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव बैलेंस है कि निगेटिव बैलेंस है। सर पॉजिटिव बैलेंस है। अरे जब पैसा हमारे बैंक में जमा है, फेवरेबल का मतलब क्या, हमारा पैसा है जी, हमारा पैसा जमा है, आपका फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव। तो पता मैं क्या करूंगा, जब भी बैलेंस होगा ना यानी कि फेवरेबल बैलेंस, तो मैं इस अमाउंट को लिखूंगा प्लस कॉलम के अंदर में। लिखो ना कितना है, 1,54,300 का अमाउंट। अगर आप कसम खा लो जब भी पॉजिटिव बैलेंस आपको दिख जाए, तो पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या है जी, कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो हमेशा क्या करेंगे, हम प्लस कॉलम में इसको लिखेंगे, आपका प्लस कॉलम में, ठीक है ना। अभी ज्यादा मत सोचना, आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो आप मेरे बच्चे। जो कैशबुक में और पासबुक में डिफरेंसेज है ना, उनके देखो 6 रीजन बता रहे हैं, हम एक एक करके देखते हैं। कहता है पॉइंट 1 में
चेक डिपोजिटेड, हमने चेक जमा किया है बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक आपका। सुनो ना, पॉइंट नंबर वन, मैं यहां पे पॉइंट वन आपको दिखा रहा हूं। यहां पे पॉइंट वन कहता है कि चेक डिपोजिटेड, लिखिए यहां पे पूरा जो सेंटेंस दिया हुआ है, चेक डिपोजिटेड, हमने चेक जमा किया है बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक आपका। बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया है। और मैं पता क्या करूंगा, मेरा सबसे सिंपल तरीका, वो पहले सी और पी यहां लिख दूंगा, ये वो नरेशन लिख दिया जी, जिसका हम बीआरएफ के अंदर में डिफरेंसेस देख रहे हैं, और सीएनपी। अब मेरी बात सुनो बच्चे, चेक हमने डिपॉजिट किया, अगर चेक हमने बैंक में जमा किया है, ये हमारा बीआरएफ बन रहा है 31 मार्च को, चेक हमने जमा किया, चेक डिपॉजिटेड, तो हमने कैश बुक को क्या किया होगा, यहां पे अप कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, बोलो ना। जैसे ही चेक को हम बैंक में जमा करते बच्चे, हम अपने कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, मैंने भी आपको दिखाया, यही रूल होता है, यही रियल लाइफ है। तो यहां पे कैश बुक जो आपका है ना, इसमें हमने इसको बढ़ा लिया है, कितने से 75, कितना लिखा है जी 75,450 रुपीज आपका। अभी दिमाग ज्यादा यूज मत करना, जैसे जैसे समझा रहा हूं समझो, अभी के अभी आप दौड़ लगाना शुरू कर दोगे। जैसे ही चेक हमने बैंक में जमा किया, मतलब क्या हुआ होगा, कोई कस्टमर ने हमें चेक दिया होगा, उस चेक को हमने बैंक में जमा किया, मेरा अकाउंटेंट जैसे ही चेक बैंक में जमा करता है, बैंक वो अपने कैशबुक में एंट्री कर लेता है। तो मेरे बच्चे कैशबुक में एंट्री हो चुका है, लेकिन अभी तक कहता है कि बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब कि हमारे कैशबुक तो बढ़ चुका है लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, बैंक ने मेरे बच्चे अभी तक क्रेडिट नहीं किया। एक बार यहां ये देखिए, बैंक ने क्रेडिट, मतलब कि अगर हमने चेक जमा किया तो हमने तो अपने कैशबुक में क्या किया, उसको डेबिटेड कर लिया, हमने उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया है। जब भी कैशबुक में डेबिटेड होगा मतलब क्या, बढ़ा दिया, बैंक जब बढ़ाएगा तो क्या बोलेगा, क्रेडिटेड किया, बताया था ना मैंने अभी आपको, हमने पैसा बैंक में जमा किया तो हमने क्या किया जी, हमने कैशबुक को अप कर दिया, डेबिटेड कर दिया, बैंक उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। लेकिन यहां कहता है कि बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट किया नहीं है, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने अभी पासबुक पर उसकी एंट्री नहीं की है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे कि आप देखो, जिस दिन हम बीआरएफ बना रहे हैं हमारे कैशबुक में 75,450 की एंट्री दिख रही है, लेकिन पासबुक हमारा क्या है, बिल्कुल यहां दिख रहा है। हम लोग क्या बना रहे हैं, हम बीआरएफ बना रहे हैं। देखो बीआरएफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप ना पहले बताओ जरा कि ये जो बैलेंस यहां पे लिखा हुआ है, किसके मुताबिक लिखा हुआ है, कैशबुक के मुताबिक। बहुत ध्यान से सुनना, ये किसके मुताबिक लिखा हुआ है, कैशबुक के मुताबिक। मेरे बच्चे बीआरएफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जिसका आपने बैलेंस यहां पे लिखा हुआ है, आप ये जो इंपैक्ट आपने दिखाया ना, आप इंपैक्ट में चेक करो कि ये कहां दिख रहा है। तो हमने यहां पे लिख दिया जी, ये तो हमें यहां दिख रहा है, यहां पे हमने बिंदु कर दिया, यहां पे हमने डॉट कर दिया कि जिसका बैलेंस हमने यहां पे लिखा हुआ है वो बैलेंस कहां दिख रहा है जी, यहां पे दिख रहा है। इसके मुकाबले देखो ये बढ़ गया ना बच्चे, यहां पे दिख रहा है। पता है हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमारा कैशबुक है ना, जो यहां पे दिख रहा है वो आपका वो यहां तक आ जाए। दोबारा सुनिए, टेंशन नहीं, दिमाग शांत। हमने कहा कि भैया पहले आप क्या करो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इट क्रेडिट बाय द बैंक में दोनों का इंपैक्ट देखो, कैशबुक कहां दिख रहा है, पासबुक कहां दिख रहा है। तो कैशबुक यहां दिख रहा है, पासबुक यहां दिख रहा है। फिर हमने कहा कि जिसका आपने बैलेंस यहां पर लिखा है, किसका लिखा है, कैशबुक। मेरे बच्चे कैशबुक जहां पे, पहले वहां ध्यान दो कि कहां पे है, तो कैशबुक मेरा यहां पे है। पता हम क्या करेंगे, हमें कैशबुक जिसका बैलेंस आपने यहां लिखा है उसी में हमें चेंज करना है, उसी में हमें चेंज करना है, और चेंज इस तरीके से करना है कि हम दूसरे के बराबर आ जाए। ये बीआरएफ बनाने का सिंपल तरीका बता रहा हूं, अभी दिमाग ज्यादा यूज मत करो, मैं हूं ना अभी कई सारे पॉइंट में समझाऊंगा। मैंने कहा मेरे बच्चे कि आप क्या करो, पहले इंपैक्ट दिखा दो, फिर देखो कि आपका जो कैशबुक है वो कहां पे है,
और बीआरएस बनाने का सिंपल तरीका कि जिसका बैलेंस आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको उसी में चेंज करना है, और चेंज ऐसे करना है कि दूसरे के पास आ जाओ। तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पे आना है, तो मुझे इसको और अप करना होगा कि इसको डाउन करना होगा? मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे मेरा कैशबुक दिख रहा है, पासबुक मेरा यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे इसको अप करना होगा कि इसको डाउन करना होगा? सर, इसको डाउन करना होगा, डाउन करना होगा। अगर मैं डाउन करूंगा तो इसके बराबर आ पाऊंगा। तो मेरे बच्चे, डाउन जब भी होगा ना, जब भी आपका आत्मा बोले डाउन, इसका मतलब माइनस कॉलम में आपको दिखाना है। कसम खा लो, कसम खा लो। अभी मत सोचो, सारी बातें मैं खुद सोचाऊंगा, सारी बातें प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। फिलहाल बीआरएस बनाने का सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं कि आपको पहले क्या करना है, इंपैक्ट दिखा देना है, और जिसका बैलेंस, जिसका नाम आपने यहां पर लिखा है, उसका उसमें ही आपको चेंज करना है। चेंज ऐसे कि दूसरे के बराबर आ जाए। हमने देखा कि इस इंपैक्ट से ये यहां दिख रहा है, अगर मुझे यहां पे पहुंचना है तो जरा बताओ इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा? डाउन। डाउन का मतलब माइनस कॉलम। जब भी आत्मा बोलेगी अप तो यानी कि प्लस कॉलम, माइनस यानी कि डाउन कॉलम। तो आपको क्या करना होगा, इसको माइनस कॉलम में लिखना होगा। कितना जी? ये आपका 75,450 का अमाउंट आपका। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगले वाला को दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए मेरी बात, अगला वाला, नंबर टू पे आप आइए। नंबर टू पे कहता, टू में मेरे बच्चे, चेक इश्यूड, पढ़ो ना और लिखो यहां पे, कहता है कि चेक इश्यूड, चेक इश्यूड यानी कि चेक हमने किसी पार्टी को दिया कि जाओ जी मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। बट कहता है कि बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिस पार्टी को मैंने चेक दिया कि जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, मेरे बच्चे हमने चेक दे तो दिया लेकिन अभी तक वो पैसा मेरे अकाउंट से निकाला नहीं है। कितने का चेक है? वो कहता है कि 80,760 का। दिमाग शांत। अब बहुत प्यारे बच्चे, सच बता रहा हूं, ये देखो आप, झूठ नहीं बोलता मैं। आप मुझे बताइए कि चेक इश्यूड, ये रहा हमारा, ये हमारा है जी, जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च, ये रहा कैशबुक पासबुक। जब चेक हमने इश्यू किया होगा, हमने किसी पार्टी को दिया कि जाओ जी मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, तो बताओ ये एंट्री कहां हुई होगी? कैशबुक में। यही तो हुआ होगा बदमाश। जैसे ही चेक हम किसी को देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो अकाउंटेंट वो एंट्री कर लेता है। आप बताओ कि हमारे अकाउंटेंट ने कैशबुक को क्या किया होगा, अप या डाउन? माइनस किया होगा। अरे अगर हम चेक किसी को देंगे तो हमारे अकाउंट से पैसा निकल गया, वो कैशबुक को क्या करेगा, कम कर देगा। कितने से कम करेगा? 8760, थोड़ा छोटा दो, जगह कम ना पड़ जाए, 80,760 रुपीज का अमाउंट, इतने से कैशबुक कम कर दिया। लेकिन कहता कि बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बच्चे अगर अभी तक ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट करने के लिए, अगर ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है तो इसकी एंट्री पासबुक में नहीं है, बैंक वाले ने कोई एंट्री नहीं किया। जब तक बैंक के पास चेक आप प्रेजेंट नहीं करोगे, बैंक वाला थोड़े कोई एंट्री करेगा, कोई एंट्री नहीं हुआ है। अब हम क्या करें? कुछ भी नहीं, पहले आप इंपैक्ट दोनों में दिखा दो कि भैया कैशबुक यहां है, पासबुक यहां पे। अब दिमाग दोबारा शांत करो, बीआरएस बनाने का तरीका बता रहा हूं। आप अपनी आत्मा से पूछो कि आपने इसका बैलेंस किसका लिखा हुआ है, यहां पे क्या नाम लिखा हुआ कैशबुक में, तो कैशबुक जहां पे है ना, पहले आपका दिमाग वहां पे आ जाए। और मेरे बच्चे कैशबुक में हमें इस तरीके से चेंज करना है कि दूसरे के पास पहुंच जाऊं। तो याद रखना, जिसका बैलेंस यहां पे लिखा है ना, हमें चेंज उसी में करना है, और ऐसे कि दूसरे के पास पहुंच जाऊं। तो बताओ जरा, आप यहां पे हो, अगर मेरे बच्चे आपको यहां पे आना है, अगर यहां पे आना है तो इस बैलेंस को आपको और डाउन करना होगा या इसको अप करना होगा? अगर मैं इसको और डाउन करता हूं तो क्या मैं इसके बराबर आ रहा हूं? नहीं आ रहा हूं, तो गलत बात है, डाउन नहीं। फिर हमें क्या करना होगा? इसको अप करना होगा। अगर अप करूंगा तब इसके बराबर आ पाऊंगा। आपका एक ही मकसद है, जिसका बैलेंस यहां पे दिया हुआ है हम उसी में चेंज करेंगे, और चेंज इस तरीके से करेंगे कि दूसरे के पास पहुंच जाए, दूसरे के पास। तो बच्चे हमें क्या करना होगा जी? इसको अप करना होगा। अप जब भी आएगा दिमाग में तो मतलब क्या? प्लस कॉलम में। जब भी डाउन दिमाग में आएगा तो माइनस कॉलम में। जब भी अप दिमाग में आएगा तो प्लस कॉलम में। इस बात को दिमाग में बैठा लो, और कुछ भी नहीं आपका। तो आओ ना, हम लोग क्या करेंगे, ये हमें अप प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 80,760 रुपीज का अमाउंट यहां लिखना होगा।
8760, कोई डाउट इसमें नहीं सर। सर थोड़ा सा अभी और भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आपके कम से कम इस चैप्टर में हम 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आपने शुरुआत किया है और आप शुरुआत में ही सारी बातें थोड़े समझ जाओगे, अभी पीछे वाली बातें तो समझ में आई ना, ये भी थोड़ा सा तो समझ में आया बदमाश, थोड़ा सा तो समझ में आया। आओ ना आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, तीसरे वाले पॉइंट पे। और हाँ, मुझे एक डर है कि 6 पॉइंट आते आते कहीं जगह कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, मैं यहीं पे लिखूंगा, मैं इसको मिटा देता हूं। आपने मिटाना, आप थर्ड पॉइंट यहां से शुरू करना, क्योंकि आपके पास रजिस्टर काफी बड़ा है। मैं यहां पे लिख देता हूं और आता हूं मैं अब थर्ड पॉइंट के पास। यहां पे थर्ड पॉइंट पढ़ो, क्या बता रहा है, बैंक चार्जेज लिखिए यहां पे, बैंक चार्जेज कहता है कि नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दिमाग शांत, अगर आपके पास थोड़ा सा भी परेशानी हुआ ना बच्चे, थोड़ा सा भी अगर आपको कोई पीड़ा है, कोई दुख दर्द है, कोई दोस्त ने आपको धोखा दिया है या किसी और ने धोखा दिया है, मम्मी पापा ने आपको पीटा है, भाई ने आपको पीटा है, कुछ भी हुआ है, और अगर आपने दिल पे बैठा लिया, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आप सब इतना मानो ना यार कि दुनिया में दो ही इंसान है, कोई दुख कोई दर्द नहीं है, कोई प्यार कोई धोखा नहीं है, दो ही इंसान है, एक आप और एक आपके संतोष सर, तब जाके चैप्टर समझ में आएगा, और कुछ भी नहीं। सुनो सुनो जरा क्या बता रहा पॉइंट नंबर 3 में, बैंक चार्जेज नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मेरे बच्चे बैंक ने कुछ चार्जेज काटे हैं, तो जब बैंक ने चार्जेज काटे हैं तो एंट्री कहां हो चुका होगा, पासबुक में, और पासबुक में आपके बैलेंस को क्या कर दिया गया होगा जी, बैंक ने क्या किया होगा, डाउन कर दिया होगा, पैसे आपके अकाउंट से माइनस कर लिए होंगे। बैंक ने चार्जेज काटे हैं ना, कोई चार्ज करता तो पैसा वो हमारे अकाउंट से माइनस कर लेता है, कितना जी 1135, ये 1135 से डाउन हो चुका है। लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमें नहीं पता उसके बारे में, हमारे कैश बुक को कोई एंट्री नहीं है। जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं, हमने देखा यहाँ पे हमारा कैश बुक, और हमने बैंक से मंगाया है डुप्लीकेट कॉपी ऑफ पासबुक, दोनों को देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिखाई दिया कि यार बैंक ने एक चार्जेज हमारे अकाउंट से काटे हैं लेकिन हमारे कैशबुक में वो नहीं है। तो दोनों में डिफरेंसेस का रीजन हुआ ना बच्चे, वो रीजन को हम क्या कर रहे हैं, अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हैं बस, और रिपोर्ट करने का तरीका आपको बता रहा हूं। तो हमने बोला कि भैया अगर ऐसा हुआ है तो आपका पासबुक डाउन हो चुका है, कैशबुक में कोई एंट्री नहीं है। अब हम देखो यहां पे बीआरएस के फॉर्मेट में कैसे लेकर आएंगे, मुझे कोई आप में से बताएगा हम किससे बढ़ रहे हैं, हम यहां पे किसका नाम लिखे हैं, कैशबुक का। आप कसम खा लो जिसका नाम आपने यहां पे लिखा है आपको चेंज उसी में करना है, और चेंज इस तरीके से करना है मेरे बच्चे कि दूसरे के पास आप आ जाओ, बस इतना ही करना है। तो मुझे क्या करना होगा कि कैशबुक है ना, मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, मैं यहां पे हूं, मुझे बताओ कि मैं यहां पे क्या करूं, क्या इसको ऊपर लेके जाऊं या इसको नीचे लेके आऊं यहां पे आने के लिए, क्योंकि मुझे पासबुक के पास पहुंचना है। याद रखना सिर्फ इसी में चेंज कर सकता हूं। आपने आपके दो दोस्त हैं और दोनों से आपने झगड़ा कर लिया, कल रास्ते में एक दोस्त आपको मिला, तो मेरे बच्चे आप उसी से बात कर पाओगे ना जो मिला आपको, दूसरा तो अभी मिला ही नहीं है, तो आपको यहां पे कौन मिला है, कैशबुक इसी से गिरा शिकवा करना है जिसका बैलेंस यहां पर लिखा रहेगा, जिसका। तो आप मुझे बताइए कि कैशबुक लिखा है, कैशबुक मेरा यहां पे, मैं इसमें क्या करूं कि इसके पास यानी कि यहां पहुंच जाऊं, मुझे बताओ इसको और अप करूं या फिर इसको डाउन करूं, इसको हमें डाउन करना पड़ेगा नीचे, तब इसके बराबर आऊंगा, मुझे बस इसके बराबर आने का काम करना है। तो मुझे क्या करना होगा जी, डाउन करना होगा। डाउन का मतलब क्या, माइनस कॉलम। अब का मतलब क्या, प्लस कॉलम, बस इतनी सी बात है। तो आपको माइनस कॉलम में ये लिखना होगा कितना जी, 1135। तो यहां लिखिए 1135 आपको माइनस कॉलम में, हमने लिख दिया यहां पे माइनस कॉलम में आ गया, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्ड इन द कैशबुक। हमने क्या किया, पहले बच्चे हमारा तरीका क्या होता है, कैशबुक पासबुक इंपैक्ट दिखा दो, कौन ऊपर है कौन नीचे है, फिर जिससे बढ़ रहे हो उसी में चेंज करो, और ऐसे करो कि दूसरे के बराबर। तो हम कैशबुक में चेंज करेंगे यहां पे आने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, डाउन करना होगा। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, प्लीज कॉपी कीजिए यहां पे, और क्योंकि मुझे जगह यहां पे बनाना तो मैं इसको मिटाऊंगा। ये आपको एग्जाम में भी करना है, एग्जाम में यही करके आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। सर हमें मार्क्स मिलेगा, अरे इसी से तो ये निकालोगे,
या तो ये रफ में कर लो या फिर यहीं पे कर लो, आपकी मर्जी, लेकिन इसको बिना किए बगैर आप यहाँ पे सोचना मतलब थोड़ा टफ हो जाता है बच्चे, थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं इसको हटाता हूँ एंड फोर्थ पॉइंट अब आपको मैं दिखाता हूँ। फोर्थ पॉइंट नंबर फोर्थ लिखिए आप यहाँ पे, क्या बता रहा, पढ़ो क्वेश्चन में। चेक रिसीव बाय बैंक डायरेक्टली, कहता है कि चेक रिसीव्ड बाय द बैंक, बाय द बैंक डायरेक्टली, बैंक ने डायरेक्टली आपके बिहाफ पे चेक रिसीव कर लिया फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स, फ्रॉम ट्रेड डेटर्स यानी कि फ्रॉम डेटर्स आपके, हमारे जो डेटर्स थे ना बच्चे, हमारे जो डेटर्स थे उनसे क्या हुआ, कहता है कि बैंक ने डायरेक्टली पैसा रिसीव कर लिया, मतलब कि हमारे जो डेटर्स थे उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली पैसा बैंक में जमा कर दिया। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर हमारा, हमारे डेटर्स ने चेक डायरेक्टली बैंक में जमा कर लिया तो एंट्री कहां हो चुका है, बैंक ने एंट्री कर दिया होगा, और हमारा, हमारे बिहाफ पे पैसा रिसीव किया है तो बैंक ने पासबुक को बढ़ा दिया होगा बच्चे 1,35,200 का अमाउंट, 1,35,200। तो चेक अगर बैंक ने डायरेक्टली हमारे बिहाफ पर रिसीव किया तो हमारा जो वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसको क्या किया होगा, उसने बढ़ा दिया होगा, ये आपका इम्पैक्ट रहा होगा जी। अब आइए मुझे जवाब दीजिए, हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से बढ़ रहे हैं, कैशबुक से। कैशबुक कहाँ है, यहां पे हमें दिख रहा है। मुझे इसमें ऐसा कुछ करना है कि मैं पासबुक के पास पहुंच जाऊं, तो मुझे बताओ कि कैशबुक को मुझे डाउन करना होगा कि अप करना होगा ताकि मैं इसके बराबर आ जाऊं। सर हमें अप करना होगा मेरे बच्चे, अप का मतलब क्या, प्लस करना, जब भी अप यानी कि प्लस, अप प्लस, अप प्लस, अप प्लस, अप प्लस, बस अप हुआ यानी कि प्लस, प्लस कॉलम, प्लस का मतलब कि प्लस कॉलम में लिखना 1,35,200 का अमाउंट, 1,35,200 रुपए का। समझो मेरी बात ना, अब तो बातें समझ में आ रही है, कुछ भी तो नहीं यार, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं बीआरएस बनाने का। कैशबुक पासबुक दो हैं, आपको क्या करना है, जिसका बैलेंस आपने यहाँ पे लिखा है उसी में चेंज करना है, चेंज ऐसे कि दूसरे के बराबर आ जाए, और यही तरीका है बीआरएस बनाने का, आप प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर हो गया, अब मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए, आप जानते हैं। मैं पांचवे पॉइंट पे लेकर आता हूं, पांचवा पॉइंट पढ़ो क्या बता रहा है। कहता कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने मेरे बच्चे हमारे बिहाफ पे कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम था वो बैंक ने पे कर दिया है, कहता है बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब शॉर्ट में अगर मैं लिखूं, आप पूरा लाइन भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, बैंक ने पे कर दिया, बट नॉट येट एंटर्ड, एंटर्ड इन कैश बुक। आप चाहो तो पूरा लाइन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं क्यों उतना बड़ा लिखूं, मैं फटाफट शॉर्ट में काम पूरा करूंगा। अब देखो ना, बैंक ने क्या किया बच्चे, हमारे बिहाफ पे, ऑब्वियस बात है कि हमारे बिहाफ पे उन्होंने 15,400 का प्रीमियम पे किया है। तो हमने बैंक को पहले इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट आएगा पे कर देना, मेरे बच्चे बैंक ने पे कर दिया तो हमारे पासबुक को क्या क्या होगा जी, डाउन कर दिया होगा, हमारे अकाउंट से पैसा पे कर दिया होगा, अकाउंट हमारा कम हो गया होगा, और ये कहता है कि कैशबुक में एंट्री नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से। कैशबुक कहां है हमारा, यहां पे है, हमें इसमें ही चेंज करना है, जिसका बैलेंस लिखा उसी में चेंज करना है, और चेंज ऐसे करना है कि हम इसके बराबर पहुंच जाए। तो मुझे बताओ इसको हमें अप करना होगा या फिर इसको हमें डाउन करना होगा, फिर डाउन करना होगा, डाउन का मतलब क्या, माइनस कॉलम में, माइनस कॉलम में कितना जी, 15,400 का अमाउंट आपका, ये अमाउंट है ना 15,400 का अमाउंट, ये सर, तो ये आपका निकल गया। ठीक है बच्चे, बोलिए। हाँ ये सर, ठीक है, अगला आइए जरा, सिक्स पॉइंट क्या बता रहा है, सिक्स पॉइंट, मैं इसको मिटाऊंगा, इसको मैं मिटाऊंगा, ये आपने लिख लिया होगा, और मैं यहां पे अपना अब सिक्स पॉइंट आपको करके दिखाता हूं। सिक्स पॉइंट कहता है कि डिविडेंड, डिविडेंड कहता है कि कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने मेरे बच्चे डिविडेंड कलेक्ट किया है, बट नॉट, बट नॉट येट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इन कैश बुक। सुनो ना मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, अगेन यहां पे कैशबुक पासबुक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, किसका डिविडेंड, मेरा डिविडेंड, मेरा इनकम है, अरे मेरे बहुत सारे इनकम जो है ना बैंक में डायरेक्टली आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके आते हैं,
आप भी कल को बिजनेस करोगे तो आपने किसी को अकाउंट नंबर दे दिया कि भैया पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर देना, वो उसमें डायरेक्टली चला जाता है पैसा, बाद में आपको पता चलता है। तो यहाँ पे कहता है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया तो हमारे बैलेंस को उसने क्या किया, बढ़ा दिया। कितने अमाउंट से जी, कितना अमाउंट बचे, 1000 है ना, ये सर 1000 से क्या किया उसने, बैलेंस बढ़ा दिया। अभी कैशबुक में आपका एंट्री नहीं है तो कैशबुक आपका वहीं पे, यहाँ पे हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से। कैशबुक के पास अपने हाथ को रख दो, आपको इसी में चेंज करना है, ऐसे चेंज करना है कि पासबुक के पास आ जाए। तो बताओ इसको डाउन करना होगा कि इसको अप करना होगा ताकि मैं इसके बराबर आ जाऊं। अप, अप का मतलब कि प्लस, लिखो ना प्लस कॉलम में, तो प्लस कॉलम में आपको यहाँ पे 1000 का अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, 1000 का। इट्स सो सिंपल टू प्रिपेयर BRS, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, आप प्लीज कॉपी कर लीजिए। 6 के 6 पॉइंट सारे हमारे खत्म हो चुके हैं। अब आओ जरा देखते हैं कि इन 6 गलतियों का, अगर आपका ये जो है 6 गलतियां यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद आगे बैलेंस हमारा क्या निकल के आ रहा है, और फिर मैं आपको अल्टीमेट निचोड़ समझाऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। पहले बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है, प्लस कॉलम बताइए कितना, 154,300 प्लस 80,760 प्लस 135,200 प्लस आपका 1000, ये अमाउंट आ गया 371,260 का अमाउंट आपका, 371,260। यही अमाउंट यहां में लिखिए 371,260, और इसमें से इन सबको माइनस कीजिए, माइनस 75,450, माइनस कीजिए आप 1135, और माइनस कीजिए बच्चे 15,400, तो ये आ गया आपका 279,275। अब बहुत बहुत बिल्कुल लास्ट में आप आ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुके हैं, बस 2-4 मिनट की बात है। ध्यान दीजिए अब मैं इसके बारे में क्या समझा रहा हूं, पहले मैं इसको मिटा के बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखूं यहां पे, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो बाद में वर्ड समझने में। ये लीजिए ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ये है क्या मेरे बच्चे, ये क्या था जी, एज पर कैशबुक था ना, ये ऊपर वाला क्या था, एज पर कैशबुक था। तो अगर ये ऊपर वाला आपका एज पर कैशबुक था तो नीचे वाला जो आया ना ये बैलेंस, इसकी को बोलेंगे एज पर पासबुक। ये हमारा क्या हो गया, एज पर पासबुक हो गया। सर सर एक मिनट, अभी कुछ नहीं, अभी दिमाग यहां रखो जो मैं बोल रहा हूं, ये एज पर कैशबुक था बच्चे, ऊपर वाला जो ये बैलेंस था इट वॉज एज पर कैशबुक, तो नीचे वाला जो बैलेंस आया ना वो क्या हो गया, एज पर पासबुक रहा होगा। मतलब कि हमारे अकाउंटेंट के मुताबिक जो कैशबुक में बैलेंस था आपका, वो कैशबुक में बैलेंस कितना था, ये देखिए 154,300, और बैंक के मुताबिक यहां जो बैलेंस था ना, यहां पे जो बैलेंस था वो कितना अमाउंट था जी, वो अमाउंट था आपका 279,275। ये आपका था 279, कहां चला गया 279,275, ये था बच्चे आपका 279,275। ये रहा होगा, मैं एक्चुअल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, फिर से आइए इमेजिनेशन में। पता क्या हुआ था, जिस दिन हम लोगों ने, मतलब कि जिस दिन हम BRS बना रहे हैं उस दिन हमारे कैशबुक में बैलेंस कितना दिख रहा था, इतना बैलेंस दिख रहा था, हमारे पासबुक में कितना बैलेंस दिख रहा था, इतना दिख रहा था। अब पूरी कहानी बता रहा हूं क्या हुआ होगा रियल लाइफ में, कैशबुक में इतना और पासबुक में इतना दिख रहा होगा, दोनों में डिफरेंस से जा रहे थे मेरे बच्चे। तो आपके सीनियर ने आपको कहा या फिर आपने अपने जूनियर को कहा कि ये जो दोनों में डिफरेंसेज आ रहे हैं उनका रीजन बताइए, क्या रीजन है, तो मेरे बच्चे आपने क्या किया, आपने उन्हीं रीजन्स को यहां पे बताया। ये सारे के सारे क्या है जी, वही रीजन्स हैं जो आपने एक स्टेटमेंट में उनको बताया कि भैया इन दोनों में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं ना उनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 रीजन्स है। मेरे बच्चे बार बार कह रहा हूं, वी आर नॉट मेकिंग एनी रेक्टिफिकेशन, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। एक जो रिपोर्ट आपको तैयार करना है ना कि इसका बैलेंस इतना है, इसका बैलेंस इतना है, क्यों डिफरेंस से जा रहा बताओ, तो वही डिफरेंसेज आप दिखा रहे हो कि ये 6 रीजन है जिसके चलते डिफरेंस से जा रहे हैं, है ना, और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। तो ये निकल गया, तो ये हमने काम कर दिया। लेकिन एक सवाल है कि यार ये तो बैलेंस था, ये तो बैलेंस का मतलब क्या, फेवरेबल बैलेंस, तो ये कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट है, ये भी तो सवाल उठेगा। तो आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, फिर इसको मैं केस में आपको समझाऊंगा कि पता है क्या होगा, जब भी मेरे बच्चे जैसे यहां पे बैलेंस क्या आया, प्लस कॉलम में आया ना, यहां पे प्लस कॉलम में, और यहां पे क्या आया, माइनस कॉलम में।
मतलब जब भी बैलेंस आपका अपोजिट साइड आएगा, अपोजिट साइड का मतलब क्या जी, ऊपर में बैलेंस अगर आपने यहां लिखा है तो नीचे में क्या है आपका यहां ना के इस साइड आ जाए। तो जब भी आपका बैलेंस आएगा अपोजिट साइड तो कहते हैं कि इट मीन्स इसका मतलब होता है इट मीन्स सेम टाइप ऑफ बैलेंस। ये आपका सेम टाइप ऑफ बैलेंस है मेरे बच्चे। सेम टाइप ऑफ बैलेंस का मतलब कि ये आपका फेवरेबल बैलेंस है ना, तो ये भी क्या है जी आपका फेवरेबल बैलेंस ही है। मतलब ये बैलेंस है, दिस इज नॉट ओवरड्राफ्ट, ये भी आपका बैलेंस है। मतलब कि कैशबुक में इतना बैलेंस दिख रहा होगा और पासबुक में इतना बैलेंस दिख रहा होगा। क्लियर सर? यहां थोड़ा डाउट है, अभी इसको क्लियर करूंगा, बट दिमाग रखना अपोजिट साइड यानी कि सेम टाइप ऑफ बैलेंस आपका। अगर यहां पे हमने लिखा कि बैलेंस, तो ये भी क्या होगा आपका बैलेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीजन है, आप देखते हैं कि हर एक चीज अपोजिट होता है। इसका डेबिट इसका क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कि अगर इसमें डेबिट में आपका बैलेंस है तो इसमें इसका अपोजिट क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका मतलब क्या? फेवरेबल आपका है, फेवरेबल आपका, बस वही रीजन निकल के आता है। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, सेम साइड यानी कि अपोजिट साइड यानी कि सेम टाइप ऑफ बैलेंस आपका। लिख लीजिए यहां पे, सर यहां आ जाता तो बात की बात है, पहले यहां पे कॉपी कीजिए। हो गया आपका यहां पे? ये सर अब तो थोड़ा तो क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा यार, थोड़ा तो। अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ ऐसा हुआ होगा रियल लाइफ में, अब हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, कम टू द रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या हुआ होगा कि अकाउंटेंट के पास दो चीजें यहां सामने दिख रही हैं, एक कैशबुक एक पासबुक। कैशबुक में बैलेंस कितना दिख रहा होगा? इतना दिख रहा होगा पॉजिटिव बैलेंस। पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा होगा? इतना पॉजिटिव दिख रहा होगा। दोनों में जो डिफरेंसेज आए होंगे, उन डिफरेंसेज को उसने 6 पॉइंट बनाकर ये रिपोर्ट तैयार करके आगे सीनियर को दिया होगा। यही है मेरे बच्चे आपके एग्जाम में पता क्या होगा, या तो कभी कभी ये दिया रहेगा और ये रीजंस आपको बताएंगे और कहेगा कि बताओ कि ये बैलेंस कितना रहा होगा। कभी कभी ये दे देगा और इन रीजंस को ढूंढना होगा। कभी कभी ये दे देगा इनको कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन बीआरएफ का कॉन्सेप्ट यही होता है। देखो ना, इस बार इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन 1 का लास्ट लाइन पढ़ना, कहता कि फाइंड आउट बैलेंसेज एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक से मतलब पासबुक, बैंक का स्टेटमेंट पासबुक होता है। तो बताओ कि बैलेंस एज पर जो आपका पासबुक है वो एंड में कितना रहा होगा? इतना रहा होगा, क्योंकि उसने ये बता दिया, रीजंस बता दिए, तो फिर आपको यहां निकालेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अच्छा, अभी आप जो एक सवाल रेज किए थे कि सर ये क्या था, वो ठीक से जरा समझा दो आप। ये मैं इन पे आपको कुछ केसेज दिखाता हूं, आओ ना, जहां पे मेरे बच्चे आंसर आपका कंप्लीट हुआ ना, आप उसके बाद लिखिए। यहां पे लिखेंगे आपका सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना? और सुनिए ध्यान से, क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स में आप लिखेंगे केस नंबर वन, पहला केस ये रहा मेरे बच्चे। मैं पता क्या बता रहा हूं, इस पे क्लियरिटी ला रहा हूं। ये जो हमने किया ना, मैं इस पे क्लियरिटी ला रहा हूं, ये बैलेंस को समझना, क्योंकि यहां पे बच्चे परेशान होते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा कोई परेशान हो, यानी कि आप परेशान हो, वही बात यहां समझा रहा हूं। तो ये लीजिए, मैंने क्या किया, यहां पे दो कॉलम रेडी किया, एक हमारा प्लस कॉलम, ये प्लस कॉलम है, मैं लिखू या ना लिखू, ये क्या है जी कॉलम है, और ये आपका माइनस कॉलम है। सर इसको कोई और नाम से हम पुकार सकते हैं? सिर्फ यही नाम पुकारना और कुछ भी नहीं, प्लस कॉलम माइनस कॉलम आपका, ठीक है ना? ये हमारा प्लस कॉलम माइनस कॉलम, ठीक है, और ये हमारा यहां पे पर्टिकुलर्स हो गया। अब मेरे बच्चे मैं लिख रहा हूं यहां पे बैलेंस एज पर कैशबुक। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको बोलो ना बैलेंस, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस, मतलब कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो थोड़ा सा मैं कुछ पी लूं क्या? ये क्या है, आप हैरान हो जाओगे जब आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए बता नहीं सकता। ये शंकर भगवान ने मुझे दिया था मेरे टाइम पे बच्चे, ये बीआरएस मुझे बहुत परेशान करता था, बहुत थोड़ा सा पी ले दो। ये बीआरएस मुझे बहुत परेशान करता था, हद से ज्यादा मुझे लो जिब भी कट गई, पर झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूं।
कटने दो। ये बीआरएस बदमाश मुझे बहुत परेशान करता था, मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने पौने 200 साल जाके मेरे बच्चे हिमालय के ऊपर वाले चोटी पे तपस्या किया था, पौने 200 साल। और तब शंकर भगवान मेरे पास आए थे, उन्होंने पूछा कि क्या परेशानी है, क्यों यहाँ पे इतने समय से मुझे परेशान कर रहा है। मैंने बताया कि ये क्या है बीआरएस, क्या हो रहा है इसके अंदर में। मेरे बच्चे उन्होंने ये अमृत मुझे पिलाया था और कहा था कि ये अमृत ऐसा इसको पी लो, उसके बाद तुम्हें बीआरएस सारा समझ में आ जाएगा और तुम अपने सारे बच्चे को समझा सकते हो इसको पीने के बाद। मैं वही है बच्चे, वही पीता हूं और वही मैं, बट ये कैसे बनता है वो सिर्फ भगवान ने मुझे बताया था, वो आपको नहीं बताऊंगा, अदरवाइज मुझसे पढ़ेगा कौन। सुनिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, वो मंत्र यहां पे उसे पीने के बाद क्या आता है। जब भी बैलेंस हो जाए ना, बैलेंस, तुम क्या करेंगे जी, वो कहां लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, है ना, प्लस कॉलम में। प्लस का मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस आपका। तो मेरे बच्चे अगर ओपनिंग में, मतलब कि स्टार्टिंग वाला जो है आपका यहां पे आ गए और सारी जो गलतियां हैं, माफ कीजिए, जो डिफरेंसेज है उनको ढूंढने के बाद अगर बैलेंस आपका यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, तो हमने क्या बोला था जी, अभी आपको क्या समझाया था मैंने, मैंने समझाया था कि अगर ये एज पर कैशबुक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक, क्योंकि दो ही तो होता है, कैशबुक पासबुक, ये एज पर पासबुक आपका होगा। अगर वो कैशबुक तो ये पासबुक के मुताबिक है। सवाल उठता है कि ये तो बैलेंस था, बैलेंस का मतलब क्या बोला था जी हमने, फेवरेबल बैलेंस, है ना, अगर ये बैलेंस है तो ये क्या है। तो हमने आपको बताया कि देखो जी, एक ही चीज ध्यान रखना अपने संतोष सर का, कि इफ इफ बैलेंस कम्स, लिख लीजिए आप यहां पे, बैलेंस कम्स टू अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड में बैलेंस आता है, कॉमा, इट मींस इट शोज सेम टाइप ऑफ बैलेंस, बस एक ही बात, सेम टाइप ऑफ बैलेंस, कसम खा लो कुछ भी हो जाए अगर अपोजिट साइड आएगा तो हम सेम टाइप ऑफ बैलेंस बताएंगे। सेम टाइप का मतलब क्या हो गया जी, सेम टाइप का मतलब हो गया बच्चे ये बैलेंस है ना, तो ये भी क्या बोला जाएगा, बैलेंस ही बोला जाएगा। बैलेंस का मतलब क्या, फेवरेबल आपका। अपोजिट साइड आएगा, जैसे डेबिट बैलेंस उसका वहां क्रेडिट बैलेंस होता है, उसी तरीके से आपका अगर अपोजिट साइड आएगा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को बताया जाएगा। केस वन आपने यहां पर रेडी किया, केस वन आपका, ठीक है ना। आई जरा केस टू, अगर मान लो हम बीआरएस बना रहे हैं और ये हमारा प्लस कॉलम और ये मैन, अब मैं प्लस माइनस लिखना शुरू कर दूंगा, अब ध्यान रखना प्लस कॉलम माइनस कॉलम है, और यहां मेरे बच्चे कहता है कि बैलेंस एज पर इस बार पासबुक है। याद रखना किसी का भी बैलेंस ओपनिंग में हो सकता है, जो पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे बैलेंस किसका दिया हुआ था जी, कैशबुक का था ना बच्चे, कहां गया वो जो हमने क्वेश्चन किया था, अरे कहां चला गया बदमाश, ये जो हमने क्वेश्चन किया था, तो बैलेंस किसका था, कैशबुक का, पासबुक का भी हो सकता है, हम किसी भी बैलेंस से भर सकते हैं, किसी भी बैलेंस से। तो मान लो हमें यहां पे क्या करता है कि बैलेंस आपको जो दिया है अगर वो पासबुक के मुताबिक है, क्या वो बैलेंस है, यस। बैलेंस का मतलब क्या जी, फेवरेबल। जब भी वो फेवरेबल बैलेंस होगा चाहे जिसके भी मुताबिक हो, हम उसको कहां लिखेंगे, प्लस। प्लस का मतलब कि फेवरेबल बैलेंस को होता है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे किसी के मुताबिक हो अगर वो बैलेंस होगा तो हम कहां लिखेंगे, प्लस में। अभी कराऊंगा क्वेश्चन, और फिर लास्ट में जो बैलेंस है ना वो यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, है ना। तो हम ये क्या है एक बार दोबारा देखते हैं, ये क्या था, एज पर पासबुक था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, एज पर कैशबुक हो जाएगा, एज पर कैशबुक। ऑब्वियस बात है दोनों सेम थोड़े होगा, पासबुक में एक बैलेंस है दूसरे में कैशबुक का बैलेंस आपका। सवाल उठता है कि ये तो बैलेंस है ये क्या है, तो बस इसी को ध्यान रखना, क्या ये बैलेंस आपका अपोजिट साइड में आ रहा है, क्या अगर जहां पे ये लिखा अगर उसी साइड आएगा तो हम सेम साइड बोलेंगे, अगर दूसरे साइड आए तो हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस जो आ रहा बच्चे आपका सेम साइड आ रहा है कि अपोजिट आ रहा है, सर अपोजिट आ रहा है। जब भी बैलेंस आपका अपोजिट साइड में आएगा, जब भी बैलेंस अपोजिट साइड, तुम क्या बोलेंगे, सेम टाइप ऑफ बैलेंस। सेम टाइप का मतलब हो गया अगर ये बैलेंस है फेवरेबल तो ये भी क्या है जी, बैलेंस ही है, ये भी आपका बैलेंस ही है। तो ये बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये बैलेंस एज पर कैशबुक होगा। समझो मेरी बात ना, यहां पे कोई हम अकाउंट लेजर नहीं बना रहे बच्चे,
ये कोई अकाउंट नहीं है, बस आपको BRS बनाने का आपको तरीका बताया जा रहा है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक CA, CMA, CS या एक एक आपका MBA या एक एक बंदा, कोई ग्रेजुएट भी हो सकता है, उनको सिंपली रखती है सिर्फ आपका BRS बनाने के लिए। ये इतना आसान नहीं है, और ये BRS बनाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि जो रीजन आ रहे हैं ना डिफरेंसेज के, इन रीजन में कोई ऐसा तो रीजन नहीं जो कि फ्रॉड का दिख रहा हो। फ्रॉड भी होता है बहुत सारे, कभी कभी बैंक वाला हमारे अकाउंट का पैसा किसी और अकाउंट में जमा कर देता है, किसी और का पैसा हमारे अकाउंट से माइनस कर लेता है, उल्टे सीधे चार्जेस काट लेते हैं। तो नजर तो रखना होगा ना, अगर हम नजर नहीं रखते तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए उन नजर को रखने के लिए पहले हमें रीजन पता होना चाहिए क्या क्या, वही यहां पर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और याद रखना, ये बैंक अगर कोई फ्रॉड करता है ना, बैंक फ्रॉड नहीं मतलब कुछ गलतियां अगर हुई है, बैंक ने आपका पैसा किसी और के अकाउंट में जमा कर दिया है या फिर किसी और का पैसा आपके अकाउंट से निकाल लिया है, तो पता है RBI क्या बोलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है, जो बैंक को कंट्रोल करता है, वो कहता है भैया ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमारी, कि हम बैंक को बताएं कि ये गलत आपने किया है, उसको सही कीजिए। इतने लाखों करोड़ों एंट्रीज होती है, बैंक कुछ गलतियां कर सकता है, लेकिन बैंक जानबूझ के गलती नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा। कुछ गलती हो गया है, कभी कभी पता चलता है किसी बंदे को हमारा अकाउंट डिटेल पता चल गया, हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, कई बार हम लोग के साथ भी हुआ है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे कि हम बैंक को इंटीमेट करें कि भैया ये फ्रॉड हुआ इसको सही कीजिए, या ये गलती हुआ इसको सही कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा आपको, बट एनीवे समझ में आ गई बात ये आपका। ये सर तीसरा केस लिखिए, केस नंबर थ्री। ये रहा हमारा आपका BRS का फॉर्मेट जिसमें हम हमेशा काम करेंगे। ये हमारा प्लस कॉलम है और ये हमारा माइनस कॉलम है। प्लस कॉलम हमेशा पहले वाले को रखना, माइनस हमेशा बाद वाले को। ये फिक्स्ड है, यस। अब देखो यहां पे, अब मैं लेता हूं यहां पे ओवरड्राफ्ट, या फिर एक काम करते हैं ना, अभी बैलेंस में चलते हैं। लिखिए अब यहां पे बैलेंस, अगर ये एज पर कैशबुक है, कैशबुक, और कैशबुक बैलेंस का मतलब क्या, यहां पे प्लस में आपको दिख रहा है, और सारी गलतियां आपने मतलब यहां जो ढूंढा मेरे बच्चे, उसके बाद अगर लास्ट का जो बैलेंस है वो आपका इसी साइड में आ गया, मतलब जो आपने चीजें प्लस माइनस की, और जैसे हमने यहां क्या था ना, हमने यहां पे सब कुछ करने के बाद आपका लास्ट बैलेंस यहां जो आया था, यहां ना के बच्चे अगर यहीं पर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मैं दिखाऊंगा। तो अगर ऐसा हो जाए फिर क्या हम करेंगे, तो बस आपको क्या करना हो कि यही बात ध्यान रखना है। पहले तो ये एज पर कैशबुक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक। ये तो पक्का है, अगर ऊपर वाला कैशबुक तो ये पासबुक। अब सोचना कि ये कौन सा है, तो मुझे बताओ कि क्या यहां पर क्या लिखा था, इफ बैलेंस कम्स टू अपोजिट साइड, यहां क्या था अपोजिट था। क्या यहां पे अपोजिट में है, यहां का बैलेंस यहां है, नहीं सर, ये तो सेम साइड आ रहा है, जहां पे ये दिख रहा है वहां पे ये दिख रहा है। तो फिर कह रहा है मेरे बच्चे, इफ, लिखिए यहां पे बैलेंस कम्स टू सेम साइड कोमा इट रिप्रेजेंट्स अपोजिट type of balance, बस इतनी बात। अपोजिट साइड आएगा सेम टाइप बैलेंस, सेम साइड आएगा अपोजिट टाइप बैलेंस। अपोजिट टाइप का मतलब हो गया ये बैलेंस है ना, तो हम क्या बोल देंगे जी, इसको ओवरड्राफ्ट कह देंगे, ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ये हम क्या बोल देंगे, इसको ओवरड्राफ्ट कह देंगे। बैलेंस अगर आपका सेम साइड आ जाए तो हम क्या बोलेंगे जी, आपका मतलब कि अगर ये अपोजिट साइड आ जाए तो सेम टाइप, अगर आपका सेम साइड आ जाए तो अपोजिट टाइप का मतलब कि अगर बैलेंस है तो इसको हम ओवरड्राफ्ट कह देंगे, ठीक है ना। प्लीज कॉपी कीजिए आप, और ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यही मिटाऊंगा, इसी के साथ बाकी केसेस यहीं पे दिखाऊंगा। तो आई जरा अब मैं इसी को मिटा के इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं आपको यहां पे अब फोर्थ केस लेकर आता हूं, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी बातें। ये लीजिए, ये हमारा BRS है, और इसमें आपका दो कॉलम, एक पहला वाला हमेशा प्लस कॉलम और बाद वाला हमेशा माइनस कॉलम। अब करता हूं मैं यहां पे, ये किया हमने बैलेंस, ये है जी बैलेंस आपका एज पर पासबुक। अगर ये पासबुक के मुताबिक बैलेंस है, बैलेंस का मतलब क्या, प्लस कॉलम में,
उम्र बच्चे जो लास्ट में बैलेंस आपका आया वो आपका इसी साइड में आ जाए, इसी साइड में, तो क्या करेंगे, ये पासबुक के मुताबिक था तो इसको हम बोलेंगे एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। और ये बैलेंस है तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, ओवरड्राफ्ट। क्यों ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, क्योंकि जब भी सेम साइड बैलेंस आएगा, सेम साइड अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस, बस इतनी बात याद रखना है। तो सेम साइड आया तो मतलब क्या, अपोजिट जी, अपोजिट मतलब कि बैलेंस से ओवरड्राफ्ट आपका हो गया, ये ओवरड्राफ्ट हो गया, है ना। एक दो केस और ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा यहां पे ये लीजिए, हमारे पास ये प्लस कॉलम और ये हमारा माइनस कॉलम, माइनस कॉलम। मेरे बच्चे इस पर मैं लेता हूं ओवरड्राफ्ट। अगर हमारे पास जो ऊपर वाला बैलेंस है, मान लो ओवरड्राफ्ट एज पर आपका दिया हुआ है कैश बुक, किसी के भी मुताबिक हो सकता है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब कि प्लस या माइनस, माइनस आपका। ओवरड्राफ्ट का मतलब निगेटिव बैलेंस होता है, जब पॉजिटिव बैलेंस होगा तो प्लस में दिखाना है, निगेटिव बैलेंस किसी के भी मुताबिक हो तो माइनस में दिखाएंगे। इस मेथड का यही फायदा है क्योंकि एक ही पैटर्न में सारी चीजें चलती हैं। और मेरे बच्चे लास्ट में जो बैलेंस है ना, वो मान लो आपका सेम साइड आ गया, यहां पे सेम साइड। अब हम क्या करेंगे, ये देखो आपका बैलेंस क्या आ गया, सेम साइड। सेम साइड को मैंने क्या लिखाया था, अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस, मतलब कि अगर ये कैश बुक है तो इसको तो पहले एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। और अपोजिट का मतलब क्या, ये ओवरड्राफ्ट है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बैलेंस बोल देंगे, खत्म हो गया। एक और केस ले लो, फिर खत्म कीजिए इस बात को। सिक्स पॉइंट आपका है ना, जितने केसेज बन सकते सब मैं बता रहा हूं आपको यहां पे, प्लस और बाकी क्वेश्चन करते समय तो चीजें आएंगी आएंगी। इस बार मैं ले लेता हूं ओवरड्राफ्ट एज पर आपका पासबुक, पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट होगा ना किसी के भी मुताबिक हो, हम कहां लिखेंगे, स्टार्टिंग वाला माइनस में। ओवरड्राफ्ट तो हमेशा माइनस में जाएगा, स्टार्टिंग वाला। और बच्चे लास्ट का जो बैलेंस है ना, लास्ट का जो बैलेंस है वो मान लो आपका यहां पे आ जाता है। अब ये क्या है, तो पहले तो ये एज पर पासबुक था तो इसको हम क्या बोलेंगे, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, ठीक है ना। अब यहां पे देखो जरा, ये क्या था जी, ये ओवरड्राफ्ट है ना बच्चे, तो मुझे बताओ सेम साइड आ रहा है कि अपोजिट साइड आ रहा है, अपोजिट साइड आ रहा है। जब भी अपोजिट साइड आएगा तो सेम टाइप, यानी कि ओवरड्राफ्ट है तो यहां भी आपका ओवरड्राफ्ट है। अब इसके बाद जितने सारे केसेज बन सकते हैं वो सारे केसेज आप बनाओ ना, जितने सारे केसेज बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैंने बुक में कम से कम 25-30 क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ जो प्रैक्टिस अभी कराऊंगा, तो आपको आपको क्या करना है इसको देख लेना, ये बात आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, तो प्लीज कॉपी कर लीजिए आप इसको, है ना। और जितने केसेज बनेंगे सब आपका। मैं आगे बढ़ू मेरे बच्चे, उसके बाद पहले ना एक चीज पे और मैं आपकी पहले मास्टरी करा देना चाहता हूं, एक चीज पे हमेशा ये ध्यान रखना। मैं बिल्कुल सिर्फ इसको क्लीन करके, इन सबको क्लीन करके मैं आपको सिर्फ यहां लेकर रखना चाहता हूं, यहां पे। और ये बात आप ध्यान रखना, जब भी कैशबुक में कहता है कि डेबिटेड किया, कैशबुक में डेबिटेड, दिमाग शांत, कैशबुक में डेबिटेड, क्या क्विक दिमाग में कैसे बैठाएंगे, कैशबुक में डेबिटेड का मतलब कि कैशबुक में हमारा डेबिट बैलेंस यानी क्या, पॉजिटिव बैलेंस है, हमारा पैसा बैंक में जमा, यही बताया था ना। कैशबुक के डेबिट का मतलब क्या, हमारा पैसा बैंक में जमा है, हमारा पैसा जमा उसको और डेबिटेड किया। तो कैशबुक में डेबिटेड करने का मतलब क्या, बैलेंस को बढ़ाना। और कैशबुक में मेरे बच्चे क्रेडिट करने का मतलब क्या, बैलेंस को कम करना, है ना। ये देखो डेबिटेड का मतलब क्या जी, बैलेंस को बढ़ाना कैशबुक में, और क्रेडिट का मतलब क्या, बैलेंस को कम करना, डिक्रीज करना आपका, ठीक उल्टा बैंक में होगा। बैंक जब आपको क्रेडिट कर रहा है, बैंक जब क्रेडिट कर रहा है तो आपके बैलेंस को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपका जो डेबिट बैलेंस था उनके पास क्रेडिट बैलेंस था। तो जो पैसा आपके पास बैंक में जमा है, मतलब बैंक में जो क्रेडिट बैलेंस है उसको और क्रेडिट किया तो और बढ़ा दिया। और डेबिटेड का मतलब क्या, घटाना, ये देखो मैंने किया हुआ। ये सब ध्यान रखना क्योंकि सारी बातें आपका यहां पर यूज की जाएंगी। मैं सोचता हूं कि आज जाते जाते एक क्वेश्चन तो और प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर टू आपका, क्वेश्चन नंबर टू। इसको फटाफट करके और आज हम स्ट्रांग फील करेंगे और देखेंगे कि अब हम लोग सचमुच में बहुत प्यारे बच्चे हो चुके हैं, नाउ वी नो एवरीथिंग मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए आप यहां पे पढ़े क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर टू पढ़ेंगे, सुनो ना ध्यान से, सुनो ना ध्यान से क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर टू। ऑन 31 मार्च 2022 कैश बुक ऑफ राहुल शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ 7640। ओहो, कैशबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मैंने शायद मिटा दिया, लेकिन आप मुझे बताओ कि कैशबुक में अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है
तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का कहाँ चला गया, वो मैंने मिटा दिया ना, बट आपके पास होगा यहाँ पे वाला, जरा बताओ कैश बुक में अगर ओवर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, छोड़ो ना आपके पास है, मैं क्यों बताऊं, आप मुझे बताओ कि कैश बुक में अगर आपका कहता है कि ओवरड्राफ्ट है तब तो ये निगेटिव बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस हो गया कैश बुक का, निगेटिव बैलेंस है, ठीक है। ऑन द सेम डेट राहुल रिसीव द बैंक स्टेटमेंट, ऑन पर्सुअल ऑफ द स्टेटमेंट राहुल एज सर्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बता रहा कि यार हमारे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट था, पासबुक का भी कुछ बैलेंस था और हमने दोनों को रिकनसाइल करना चेक किया, शुरू किया तो कुछ डिफरेंसेज नजर आए। वो डिफरेंसेज क्या है, पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट नंबर ई तक में इतनी गलतियां, मतलब गलतियां नहीं डिफरेंसेज ढूंढे हमने। लास्ट लाइन पढ़ना, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर बीआरएस एंड एज सर्टेन बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि बैलेंस आपका बैंक में कितना है बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, मतलब पासबुक के मुताबिक, वो आपको बताना है। तो आओ ना मैं सेकेंड क्वेश्चन यहां पे कराता हूं, टू नंबर लिखिए आप यहां पे फटाफट बीआरएस, शॉर्ट में बीआरएस हम बना रहे हैं एज ऑन, कब बना रहे हैं जी, डेट बताइए, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्योंकि अगली क्लास में देखेंगे कि डेट पे सारे ही क्वेश्चंस आपके रहेंगे, डेट ध्यान रखना 31 मार्च को, और बीआरएस हम मंथली बनाते हैं, ठीक है ना। और ये रहा हमारा फॉर्मेट, ये हमारा प्लस कॉलम, ये हमारा प्लस कॉलम और ये हमारा माइनस कॉलम है, याद रखना ये प्लस माइनस नहीं है, प्लस कॉलम माइनस कॉलम है, लिख दूं मैं क्या, ये कॉलम्स है, हमने इसको कॉलम दिया हुआ है, क्यों बोल रहा हूं कॉलम, ये आपको आगे समझ में आएगा, थोड़ा सा सबर कीजिए। चलो ना, पर बच्चे आप कहता है कि कैशबुक में आपका ओवरड्राफ्ट है, यानी कि ये आपका ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर आपका कैशबुक, ये आपका ओवरड्राफ्ट दिया है बच्चे एज पर कैशबुक, बताइए जरा कि कैशबुक के मुताबिक आपका ओवरड्राफ्ट कितना है, 7640। मैंने बताया हुआ है कि जब भी ओवरड्राफ्ट होगा ना तो आपको क्या करना है, माइनस कॉलम में लिखना है। ये देखिए, जब भी ओवरड्राफ्ट होगा तो हमें कहां लिखना है, माइनस कॉलम में, ओवरड्राफ्ट किसी के भी मुताबिक हो हमें क्या करना है, माइनस कॉलम में लिखना है। तो लिख दिया हमने 7640 का। अब शुरू करते हैं नंबर ए, नंबर ए क्या बता रहा आपको यहां पे, चेक डिपोजिटेड, लिखो ना यहां पे चेक डिपोजिटेड, यानी कि चेक हमने जमा किया है बैंक में, डिपोजिटेड चेक हमने जमा किया है, बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट को नहीं बढ़ाया है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बाय द बैंक, बैंक ने मेरे बच्चे अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं बढ़ाया है, तो मैं यहां लिख देता हूं कैशबुक पासबुक, ठीक है ना, नया पेज दिए हैं आप, और कहता है कि एंट्री 10,000 से, सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर चेक हमने 10,000 का बैंक में जमा किया है तो जमा करते ही हमारे अकाउंटेंट ने कैशबुक को बढ़ा दिया होगा, बोलो हाँ, अगर हमने चेक 10,000 का बैंक में जमा किया है तो चेक जमा करते ही मेरे बच्चे अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया होगा, तो कैशबुक आपका 10,000 से बढ़ा हुआ है, 10,000 से बढ़ा हुआ है, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे एंट्री नहीं किया है तो पासबुक फिर आपका वहीं पे है। नजर यहां, नजर यहां, ये देखो आप मुझे बताओ किससे बढ़ रहे हो आप, यहां देखो किससे बढ़ रहे हो, सर कैशबुक से, बस इतना ध्यान रखना, जिसका नाम आपने यहां पर लिखा मेरे बच्चे हम उसी में चेंज करेंगे, वो देखो अभी ये कैशबुक हमारा यहां दिख रहा है, हमें इसी में चेंज करना है और चेंज ऐसे करना है कि पासबुक के पास आ जाऊं, तो मुझे बताओ कि यहां से जो अभी सिचुएशन मेरा दिख रहा है इस एंट्री के बाद, अगर यहां से मुझे यहां पे आना है तो इसको अप करना होगा या इसको डाउन करना होगा, बोलो बोलो इसको अप या डाउन, सर डाउन, डाउन का मतलब क्या, माइनस, हमेशा याद रखना डाउन का मतलब हमेशा माइनस कॉलम होगा। ब्रह्मा जी भी आके बोलते हैं कि नहीं जी डाउन का मतलब कुछ अलग, नहीं मानना, बोला कि नहीं सर हमारे संतोष सर ने बोला है कि जब भी हमारी आत्मा कहेगी कि डाउन यानी कि माइनस कॉलम में जाएगा, वो माइनस कॉलम में है ना, कितना है 10,000, तो लिखिए यहां पे 10,000 आपका है ना, तो आपने क्या किया, बस ये जो बैलेंस है ना ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में पॉजिटिव होता तो हम क्या यहां पे, बाकी सब कुछ सेम तरीका चलता है, सेम तरीका, यही इस मेथड की खासियत है। एक और भी मेथड है जो बाद में आपको सिखाऊंगा, मैं पक्का सिखाऊंगा प्लेस में मास्टरी कराने के बाद, वो हौचपौच थोड़ा आपके लिए हो जाता है, बट यहां पे कोई हौचपौच नहीं है, ठीक है ना। तो आप प्लीज कॉपी कीजिए, अब मैं इसको मिटा के मैं यहां पे जगह बनाऊंगा और बी पॉइंट में आता हूं, पढ़ो क्या बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कलेक्टेड बाई बैंक, कहता है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब सिंपली कहीं हमने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उस पर कुछ इंटरेस्ट आया है, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो इंटरेस्ट कलेक्टेड शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बाई बैंक,
इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, कहता है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहता है कि कैश बुक में हमने इसकी कोई एंट्री नहीं की है। तो ये रहा हमारा कैश बुक और ये रहा पासबुक। सुनो ना, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है तो मेरे बच्चे बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या क्या होगा, बढ़ा देगा। पासबुक हमारा ही है, अरे हमारा ही पासबुक है, हमारा ही कैशबुक है। अगर बैंक ने कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट किया होगा तो बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या क्या होगा, बढ़ा दिया होगा। बोलो हाँ, तो बैंक ने क्या किया कि हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया है क्योंकि इंटरेस्ट उसने कलेक्ट, कितना इंटरेस्ट था 1280, बट कैशबुक में एंट्री नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे नाम किसका लिखा हुआ, कैशबुक। तो हम यहाँ पे है, जहां पे है अब पहले आपको इम्पैक्ट दिखा देना है, फिर आपको सोचना है कि हम यहाँ पे है, हमें यहाँ पे पहुंचना है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए इसको डाउन करना होगा या इसको अप करना होगा। सर इसको अप करना होगा। अप का मतलब क्या होता है, प्लस कॉलम। अप का मतलब प्लस कॉलम। तो प्लस कॉलम में आपको क्या करना होगा जी, 1280 को लिखना होगा, प्लस कॉलम। हमेशा कसम खा लो इस मेथड में, अब जब भी आपकी आत्मा बोलेगी प्लस कॉलम, जब भी आपका आत्मा कहती है कि माइनस, तो फिर आपको समझो कि माइनस मतलब डाउन, यानी कि माइनस कॉलम। ठीक है ना, मैं इसको मिटा के जगह बनाऊंगा, इसको अपने कर लिया होगा, अब तो अच्छा लग रहा होगा। सी पॉइंट पे आइए, कहता है सी में डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली, कहता है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, सेम चीज मुझे तो दिख रहा है, डायरेक्टली कहता है कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहता है कि कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो ये रहा हमारा कैश बुक पासबुक। अगर डिविडेंड बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया तो हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया होगा, पासबुक अप है, कैशबुक वहीं पे। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से। बताओ मैं क्या करूं यहां पे आने के लिए, हमें अप करना होगा। अप यानी कि प्लस, कितना अमाउंट है 1000, प्लस मतलब कि प्लस कॉलम में लिखिए 1000 का अमाउंट आपका। ठीक है ना, इसको मैं मिटा के अब थोड़ा फोर्थ पॉइंट पे आता हूं। हम लोग को स्पीड अब बढ़ाना होगा, बहुत सारी चीजें हम समझ चुके हैं, फटाफट काम करेंगे। चेक इश्यूड, कहता है कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इश्यू किया है लेकिन अभी तक हमने प्रेजेंट नहीं किया। बच्चे ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। सुनो ना, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो चेक इश्यू किया मतलब कैश बुक डाउन है, पासबुक वहीं पे, क्योंकि बैंक में अभी पैसा प्रेजेंट हुआ नहीं चेक जी। हम किससे बोल रहे हैं, कैशबुक। बताओ क्या करूं यहां पे आने के लिए, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, अप। अप मतलब प्लस, प्लस यानी कि प्लस कॉलम में। कितना अमाउंट आपका है 37,400, तो ये 37,400 आ गया। ठीक है ना, ये भी हमारा काम खत्म हो गया। मैं इसको मिटा दूं, आप अब ये थोड़े टाइम में बात करूंगा, इतना ज्यादा मैं आपको, अब तो आप स्पीड बढ़ाएंगे मेरे साथ। ई पॉइंट में आइए, बैंक चार्जेज लिखो ना, बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, मतलब बैंक ने कुछ चार्ज काटा है और उसकी एंट्री कैशबुक में नहीं है। तो मेरे बच्चे चार्ज जब काटा होगा तो बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दिया होगा, पासबुक डाउन है, कैशबुक वहीं पे है। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से। बताओ यहां से बढ़ रहा हूं यहां पे आने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन करना होगा। डाउन मतलब माइनस कॉलम में, कितना अमाउंट 340 का अमाउंट, जब भी डाउन यानी कि माइनस कॉलम आपका। ठीक है ना, बस और कुछ बचा नहीं सर, आओ जल्दी से। अब हम यहां पे सारी बातें कर चुके मेरे बच्चे, फाइनली अब हमें इसको क्लोज करना है और बैलेंस पता करना है। बताओ बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है आपको, ये बड़ा दिख रहा है, तो कितना 1280 प्लस 1000 प्लस 37,400, ये आ गया मेरे बच्चे 39,680 का अमाउंट। 39,680 यहां भी लिखिए, माइनस कीजिए 340, माइनस कीजिए 10,000 और माइनस कीजिए 7,640, तो ये आ गया 21,700 रुपीज का अमाउंट आपका, 21,700। सुनो ना, ये एज पर कैशबुक था तो हम इसको क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, एज पर पासबुक आपका, कैशबुक तो यहां पे पासबुक आपका। अब ये ओवरड्राफ्ट था, ये क्या है, चेक करो क्या बैलेंस आपको सेम साइड आ रहा है कि अपोजिट साइड आ रहा है। सर सेम साइड आ रहा है, सेम साइड, हमने कहा था सेम साइड यानी कि अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस।
अपोजिट टाइप का मतलब कि ये ओवरड्राफ्ट है ना, तो ये यहाँ पे आपका बैलेंस दिख रहा होगा, ये बैलेंस दिख रहा होगा, बैलेंस है जो पासबुक खत्म हो गया। कौन आपसे लड़ सकता है यार लड़ाई बीआरएस के अंदर में? मुझे तो नहीं लगता दुनिया का कोई भी इंसान बीआरएस के अंदर में आपसे लड़ाई लड़ ले तो आप मुझे बता देना कि हाँ सर मुझसे भी कोई इंटेलिजेंट बच्चा है कहीं पे, मैं मान जाऊंगा। फिर आकर मैं क्या बताऊं क्या कर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जितने स्ट्रांग कॉन्सेप्ट आपके यानी कि हमारे सीओसी के बच्चे के स्ट्रांग होते हैं उतना कहां किसी का होता है। सभी रटते हैं इस चीज को, आप रट नहीं रहे हो, चीजों को समझ रहे हो कैसे निकल के आता है। एक ही बात बस ध्यान रखना, मैं अब इसका निचोड़ निकाल रहा हूं कि रियल लाइफ में क्या हुआ होगा। रियल लाइफ में मेरे बच्चे कैशबुक में आपको इतने का ओवरड्राफ्ट दिख रहा था, हमारा जो हमने जो हमारे अकाउंटेंट ने जो मेंटेन किया हुआ है 7640 का निगेटिव बैलेंस दिख रहा था, और पासबुक में उसी दिन पे हमारे पास क्या दिख रहा था, पॉजिटिव बैलेंस दिख रहा था। हमने अपने अकाउंटेंट को कहा कि भैया बताओ दोनों में डिफरेंसेज आने के क्या रीजन है, उसने इतने रीजन हमें बताए। अब ये रीजन वैलिड है मतलब ठीक है या क्या है वो तो आगे का डिस्कशन हम करेंगे अभी आपका, बट अभी वो हमने रिपोर्ट तैयार किया है, रिपोर्ट तैयार किया है मेरे बच्चे, जिसको बोलते हैं बीआरएस। कहीं कोई रेक्टिफिकेशन की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। आपको मेरे बच्चे बुक के किसी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना है, किसी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने जो पीछे सॉल्यूशन दिया है उसमें जो बैलेंस निकाला है उसमें मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपको यही चीज सही है यही पे आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। आगे से मैं क्या करूंगा, अगर आपको इस बुक में ये आंसर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको आगे से काट दूंगा, हटा दूंगा, क्योंकि वहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यही सही है आपका, ठीक है। चलिए फिर बच्चे अगली क्लास में मिलते हैं इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना है, अभी तो तरह तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए, आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रीजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। हेलो एवरीवन, दिस इज परिमाईश्वरी एंड आई एम अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। हेलो, माय नेम इज वंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट राइट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ प्रशांत दीक्षित। आई टुक कोचिंग फ्रॉम सीओसी एजुकेशन। आई टुक माय अकाउंट्स ट्यूशन फ्रॉम संतोष सर। सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, आपको पता है वो YouTube में देख सकते हो। थैंक्स टू राहुल भूटानी सर, इज माय मैथ्स टीचर एंड मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक दैट। इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। आई टेक माय बिजनेस लॉ क्लासेस फ्रॉम सीए राघव गोयल सर, ही इज जस्ट अमेजिंग। ऑल द टीचर्स क्लियर आवर कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली एंड दे गाइड अस इन ईच एंड एवरी स्टेप। मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. Thank you. थैंक्स टू सीओ सी जिन्होंने मेरी जर्नी को काफी आसान बना दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू।